आइए, हम लोगों ने जेआईजीएल में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट स्टार्ट किया था। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था कि हमें बड़े सारे एक्ट पढ़ने हैं। हाँ, जिस सब्जेक्ट में ये चैप्टर है ही नहीं उसमें तो पहले नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में अगर ये चैप्टर है जो हमें मदद करेगा बाकी एक्ट्स को समझने में, तो क्यों ना पहले इसी को पढ़ा जाए। बस यही इरादा था कि इसको हमने स्टार्ट किया। अब आप देखिएगा, इसके बाद भी जो चैप्टर लेंगे वो कुछ ऐसा ही लेंगे जो कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट में भी हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, तो उसको जो है वो लेकर के चलेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन चैप्टर्स को पहले कर ले जिसका कहीं ना कहीं क्या रहे, कनेक्टिविटी रहे। तो ये चैप्टर जो है हमारी मदद करता है और हमें कहता है कि लॉ को, एक्ट को कैसे क्या किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जितने भी तरह के चीज जो अथॉरिटी ने क्या किए हैं, इशू किए हैं। ऑनलाइन बच्चे एक बार जो है आप लॉगिन करेंगे और ध्यान से सुनेंगे, कोई नए बच्चे होंगे तो ध्यान से जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसको सुनेंगे ताकि आप पैरेलल पहुंच सके। अब देखिए, इसमें हमने कहा कि स्टैट्यूट जो है वो हुआ एक्ट, रूल, रेगुलेशन, जितने भी तरह के जो है नोटिफिकेशन सब कुछ हुआ। तो इसे समझने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने कहा कि इसे बनाने वाले, इसे इंप्लीमेंट करने वाले और जो इसके बेसिस पे जजमेंट सुनाएंगे, बनाने वाले लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, और जो स्टेट लेवल पे है वो लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इसको इंप्लीमेंट करते हैं वो हो गए पुलिस, यानी कि आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दूसरे पिलर। तीसरा जुडिशियरी, जो इसको क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे अगर कहीं कोई जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो। तो बनाने वाले और जो इसको डिसाइड, जो इस पे डिसीजन लेंगे वो दो अलग अलग लोग हैं। तो ऐसा ना हो कि बनाने वाले ने जिस मनसा से, जिस इंटेंशन से, जिस पर्पस के लिए उस चीज को बनाया वो कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए और उसको गलत तरीके से क्या कर दे, इंटरप्रेट कर दे। कहा कि कोर्ट तो बड़े सारे हैं, ये जज ऐसे इंटरप्रेट कर सकता है, दूसरा दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक जो है वो इंटरप्रेट करने के लिए क्या बना देते हैं, रूल बना देते हैं कि जो भी कोई इस सिचुएशन में इंटरप्रेट करेगा ऐसे ही करेगा, इस सिचुएशन में करेगा तो ऐसे करेगा। तो कुछ जो है उसके लिए क्या बनाए गए, रूल बनाए गए। तो इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ तब पड़ती है जब कोई भी चीज जो अलग अलग लोग देख रहे हैं उनको वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या होता है, दिखता है, या दो लोगों को उस चीज को सोचने के बारे में नजरिया अलग अलग है और वो चीज अपने आप में ही जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक से ज्यादा मीनिंग को क्या करता है, कैरी करता है। अगर इन सारे चीजों से हमारा सामना ना हो तो इंटरप्रिटेशन के लिए रूल बनाने की जरूरत ना हो। अगर कोई चीज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो लिखा हुआ है वही मतलब अगर बता रहा हो, उसका एक से ज्यादा मतलब ही ना होता हो और उसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी, संदेह ना हो, तो इसके लिए कहीं इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यह चीज होना ही है, जो मैंने कहा था कि वर्ड है, क्या आप पीते हैं, तो मतलब पानी पीना भी हो सकता है, मतलब ड्रिंक करना भी हो सकता है। तो जैसे ही इसका दो मतलब हुआ तो लोग अलग अलग समझ सकते हैं। तो बताया गया कि इन हालात में इसका मतलब नॉर्मल समझना और इस हालात में इसका व्यापक मतलब समझना, यानी झूम बराबर झूम सराबी। तो अब यहां हम लोगों ने जो है कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिसके बेसिस पे हमने कहा था कि भाई इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट हमें है ही, और हमने जितने भी तरह के एक्ट, रूल, रेगुलेशन बने हुए हैं उन सबको 8 कैटेगरी में क्या कर दिया, बांट दिया। आज भी कोई भी एक्ट अगर आएगा तो वो इन्हीं 8 में से किसी में डाल देंगे, लेकिन ऐसा भी कोई एक्ट आ सकता है जो इस दायरे में नहीं आया तो क्या करेंगे, अगला जो है फिर से क्लासिफिकेशन में एक और तरह का चीज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इनमें से किसी भी क्लास का वो स्टैट्यूट क्यों ना हो, उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास जो है वो इतने सारे क्या हैं, हमारे पास जो है वो इतने सारे जो है वो रूल्स हैं। अब इन रूल्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा, कुछ को हमने जो है वो पैक कर दिया और किस में डाल दिया, प्राइमरी रूल में डाल दिया, कुछ को हमने पैक करके जो है कहां डाल दिया, सेकेंडरी और अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में जो है वो डाल दिया, और एक एक करके पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको कहा था कि अलग अलग रूल हमें पता रहे और हमसे शॉर्ट नोट्स में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे, लेकिन सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी में कौन कौन सा है और सेकेंडरी या अदर रूल में कौन कौन सा है, ताकि अगर पूछा जाए हमसे कि मेंशन 2 और 3 प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो कहीं उसमें गलती से एक जो है वो इधर वाला जो है वो ना इन कर जाए। ये पर्पस है इसको ध्यान रखने का कि किस में क्या है, अदरवाइज मतलब आप
आपको पता है तो आपसे अगर शॉर्ट नोट्स या डिस्क्राइब करने में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जब खत्म होगा तो बात करेंगे कि और किस किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा, क्या दो के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, तब कैसे जाएंगे। तो याद रखिएगा, फिर अगर आपको पता ही नहीं होगा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और आपको पता ही नहीं होगा मिस्चीफ रूल, तो इन दोनों रूल के बारे में अगर एक साथ हमें कंपैरिजन करना रहा तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। ये एक लेवल और एडवांस हो गया कि पहले आपको हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, और इधर आपका जो है वो दूसरा कोई सा भी जो ले, मिस्चीफ रूल अगर ले ले तो वो भी क्या रहना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर रहेगा तभी तो दोनों में क्या कर पाएंगे, हम कंपेरिजन कर पाएंगे कि क्या बेसिकली सिमिलैरिटी और क्या डिससिमिलैरिटी है, करेंगे बात। तो हमने एक एक करके सारे रूल को पढ़ना शुरू किया था और हमने कहा था कि सबसे पहले जो हम रूल लगाते हैं वो लगाते हैं कौन सा, लिटरल इंटरप्रिटेशन। अगर किसी भी चीज का मतलब बिल्कुल क्लियर हो, कोई एम्बिग्यूटी ना हो, तो कहा गया कि इस केस में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, कोर्ट को जो लिखा हुआ है वो फैसला सुना देना है, और इस बात को बिना सोचे हुए कि इसका कंसिक्वेंस बहुत बुरा होगा, किसी बंदे को 14 साल की जेल हो जाएगी या कोई जो है वो क्या होगा, किसी को जो कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएगा यानी कि मृत्युदंड मिल जाएगा, कुछ मत देखो कि उसके कितने बच्चे, कितने जो है वो क्या, कितनी लायबिलिटी, कुछ मत देखो उसकी एज क्या है, क्या चीज है। कहा कि आप देखो कि अगर मतलब सही निकल रहा है तो आप सजा सुनाओ। तो ये है लिटरल इंटरप्रिटेशन। कहा कि कुछ ऐसे भी जगह है जहां लिटरल इंटरप्रिटेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि लिटरल इंटरप्रिटेशन में हम लेते हैं प्लेन मीनिंग। कहा कभी कभी प्लेन मीनिंग रिजल्ट की तरफ नहीं जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, चीज कंफ्यूजिंग है तो क्या करे। कहा कि अगर एक से ज्यादा मतलब है तो वैसे केस में आप इसका जो है वो लिटरल मीनिंग नहीं लेकर के सेंसेबल मीनिंग लो, और यही हमारा कहता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन या गोल्डन रूल या आपका जो है अटरेस मैगिस वैलिएट कॉम पैरिट, ये भी आपका सेम चीज को कहता है। इस चीज में जो हम लेंगे वो कौन सा जो है वो मीनिंग लेंगे, प्लेन मीनिंग या सेंसेबल मीनिंग। और अटरेस मैगिस वैलिएट कॉम पैरिट ये कहता है कि कभी भी किसी भी तरीके से अगर आपको किसी भी लॉ में कुछ आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको इफेक्ट देने का। मतलब ये है कि ये नहीं कि किसी भी कारण से ये तो यहां एप्लीकेबल ही नहीं है, इसको वॉइड कर दो। कहा बिल्कुल ही नहीं, हमारा इरादा ये होना चाहिए कि लॉ जब बना है तो आप देखिए कि ये बात किस तरीके से रखी जाए जिससे ये लॉ के पर्पज को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, ना कि नहीं भाई इस चीज को क्या कर दो, इसे वॉइड कर दो और हमारा पीछा छूट जाएगा। अगर ऐसा हम देखें तब तो आप देखिए फैक्ट्री जैक और बाकी चीज कह रहे हैं, तुरंत हमारा हर चीज से पीछा छूटता, तभी तो बना इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट, स्टैट्यूट। और फैक्ट्रीज एक्ट भी तो एक स्टैट्यूट ही है, और उसको देख रहे हैं जब हम पढ़ रहे हैं तो कितने भी जगह किस तरह से मतलब कुछ और लिखा हुआ है, फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट करते वक्त कहीं पे कुछ लगा रहे हैं, कहीं पे कोई जो है वो क्या लगा रहे हैं, अलग रूल लगा रहे हैं। यहां पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि ये तब यूज करेंगे जब एक ही स्टैट्यूट के अलग अलग प्रोविजन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या अलग अलग स्टैट्यूट के प्रोविजंस आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सेम स्टैट्यूट के प्रोविजंस में हो सकता है आपका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, या डिफरेंट डिफरेंट स्टैट्यूट के प्रोविजंस में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कहा कि अगर आपका ऐसा होता है तो आप उन दोनों को वेट देंगे और यू ट्राई टू कंप्लाई द रूल इन टोटैलिटी, जितने भी एक्ट के प्रोविजन उसको पूरे तरह से क्या करना, कंप्लाई करना, ना कि एक को करना और दूसरे को क्या करना, छोड़ देना। तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन कहता है जिससे दोनों को हम इफेक्ट दे सके, ये नहीं कि किसी एक को दे। अगर एक ही रहता तब तो कंफ्यूजन ही नहीं रहता, कंफ्यूजन ही हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ही बिल्कुल क्लियर है। क्या है मतलब, कि इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोविजन में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। दो प्रोविजंस एक ही अलग, जैसे हमने इसका एग्जांपल भी लिया था माइनर वाला, याद होगा आपको, माइनर के साथ एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, उसी में फिर कहता है कि अगर उसके बेनिफिट के लिए तो क्या होगा, वैलिड होगा। तो यहां पे हमने देखा था क्या सेंस निकल के आया, मिस्चीफ रूल और हेडन रूल। हेडन रूल इसीलिए से कहते हैं क्योंकि हेडन केस 1584 में जो आया था उसके बेसिस पे जो है वो इसको क्या किया गया, डिराइव किया, पहली बार उसमें ही ये जजमेंट हुआ था इंटरप्रेट करने के लिए कि हम किस तरीके से जो है अगर कहीं भी कोई बात दो तरफ ले जा रही है, कोई भी स्टेटमेंट दो तरफ ले जा रहा है, एक जिस पर्पस के लिए वो लॉ बना उससे दूर ले जा रहा है, उसके पर्पस को डिफीट कर रहा है, और एक वो जिस पर्पस के लिए वो एक्ट बना उसकी तरफ ले जा रहा है, अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो डिफीट है, जो मिसचीफ है, जो कमी है उसको छोड़ देंगे, और किसकी तरफ जाएंगे, जो बेनिफिशियल है, जो सॉल्यूशन दे रहा है, जो रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है उसकी तरफ हम जाएंगे। क्लियर है ये चीज, जिसमें हमने क्या एग्जांपल लिया था बताइए फटाक से,
अबॉर्शन वाला लिया था और साथ ही साथ स्ट्रीट वाला लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज जो आपको मिसचीफ दे, डिफेक्ट दे, उसको डिफेक्ट को छोड़ दीजिए, और जो सॉल्यूशन दे, रिमेडी दे, उसको क्या कर लीजिए, पिक कर लीजिए। यही कहलाता है मिसचीफ रूल। हो सकता है इंटरप्रेट करते वक्त आपको एक से ज्यादा रूल लगाना पड़े, पॉसिबल, कोई बात नहीं, हम रूल लगाएंगे, लेकिन इंटरप्रेट हमें प्रॉपरली करना है। और ये सारा तामझाम सिर्फ और सिर्फ तब है जब हमारा लिटरल इंटरप्रिटेशन या कहीं ना कहीं जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, जब प्लेन जो है वो वर्ड जो है वो प्लेन मीनिंग जब सॉल्यूशन नहीं दे रहा होगा तो ही हम बाकी की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, लिटरल इंटरप्रिटेशन पे, जैसे लिखा है वैसे ही पहले पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद हमने देखा था एजुडिशम जेनरिस, जो कहता है कि अगर कहीं कुछ चीज लिखा हुआ है तो हमेशा लेना है कि सेम काइंड लेना है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ ही आपको लेना है। और यहां मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एजुडिशम जेनरिस की जब आप बात करते हैं तो इस जगह पे हमेशा चीज काउंटिंग में रहता है, ध्यान है आपको, कि वो इन्यूमरेशन में रहेगा, काउंटिंग में रहेगा। बोला हुआ है कि जो है वो आपका ट्रक, कार, जीप, बाइक एंड अदर पावर मोटर ड्रिवेन व्हीकल्स, तो इसका मतलब है रोड पे चलने वाली गाड़ियां लेंगे, इसका मतलब एरोप्लेन नहीं हुआ, और ना ही इसका मतलब पानी वाला जहाज हुआ, भले उसमें भी जो है वो पावर मोटर का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। आइए, एक्सप्रेशियो यूनिट्स एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, अब फिर हम किस में आ गए, सेकेंडरी में या अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में आ गए। ये कहता है कि अगर कहीं भी लॉ में लिखा हुआ है कि हम इन्हीं चीजों को एक्सप्रेसली बोला हुआ कि हम सिर्फ इन्हीं चीजों को इंक्लूड करते हैं, इसका मतलब उन्होंने बाकी चीजों को क्या कर दिया, तो एक्सप्रेसली अगर लिखा हुआ है कि ये और ये जगह सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लास सीएस के बच्चों के लिए, इसका मतलब है कि बाकी बच्चों के लिए ये क्लास नहीं है, यानी बाकी इससे एक्सक्लूडेड है। तो यही मतलब होता है कि अगर एक्सप्रेसली इंक्लूड किया है तो बाकी लोग जो है वो क्या है, एक्सक्लूडेड है। आइए, कॉन्टेम्पोरना एक्सप्रेशियो एस्ट फोर्टिसिमा इन लेगे, इसमें हमने देखा था कि जो भी आप लॉ को लेंगे उसमें ये देखिए कि जिस समय वो लॉ बना था उस समय क्या सिचुएशन थे, क्या हालात थे, उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए ही आप इंटरप्रेट कीजिए। और ये सबसे ज्यादा तब होता है जब आप किस एक्ट की बात करेंगे, थोड़ा आपका जो है जो एंशिएंट एक्ट रहेगा, जो एक्ट पुराना हो गया वहीं पे ये गुंजाइश होगी ना। जो एक्ट बना हुआ मान लीजिए 2020 2022 में रहेगा तो वो पुराना क्या होगा, वो तो आज का जो है जो जमाना हो गया। लेकिन अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यहां एग्जांपल भी लिया था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट वगैरह आपको बोला था, पढ़ना भी आपको रहेगा, तो कहा जब बना था उस समय जो है वो वुमेन को उतने काम नहीं मिलते थे, उनको कम पैसे दिए जाते थे सेम काम के लिए, उनका प्रमोशन नहीं समय पे होता था, मेन का हो रहा था, तो ऐसे में बनाया गया ये कौन सा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बनाया गया था। तो आज जब अगर कोई चीज आएगा तो उसको उसी प्रोस्पेक्टिव में जाकर के देखेंगे कि उस समय के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, इंटरप्रेट करते वक्त, डिसीजन लेते वक्त। नॉस्टियर एकोसिस, कहा गया कि इसका मतलब है कि जो भी वर्ड कहीं लिया हुआ है जिसके मल्टीपल मीनिंग है तो हमेशा देखिए कि वो किसके साथ आया हुआ है, और जिसके साथ आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग के सेंस लेकर के आप वर्ड को पुट कीजिए, वैल्यू दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट भी है एंड मशीनरी भी है, तो प्लांट का मतलब यहां मशीनरी के अकॉर्डिंग हुआ, हिंदी में कल कारखाने कहते हैं, नहीं तो एपरेटस वगैरह हो गया। लेकिन अगर जो है वो ट्री एंड प्लांट्स लिखा हुआ है या प्लांट्स एंड ट्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पे जो है वो ट्री से रिलेटेड चीज के लिए हो गया, पौधे के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। तो हमेशा जब भी आप किसी वर्ड को देखने लगे तो उसको किस में देखेंगे, उस प्रोस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे आज आपने बोला था, पूछा था पार्ट एंड पार्सल, ऐसे पार्सल का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, भेजना, लेकिन अगर पार्ट एंड पार्सल है तो ये एक साथ कंबाइंड वर्ड है और इसका मतलब हो गया जैसे एक्सीडेंटल एंसिलरी एंड इंसिडेंटल, आप पढ़िएगा कंपनी लॉ में बताया जाएगा, मेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंसिलरी ऑब्जेक्ट को ही लिखते हैं, इंसिडेंटल एंड इंसिलरी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्ट से क्या हो, जुड़ा हुआ रहे। तो जैसे मान लीजिए कि किसी जगह का मेन काम अगर हो गया तो वो कहलाया मेन वर्क, और इंसिडेंटल और एंसिलरी वर्क का मतलब हो गया उससे जुड़े हुए काम। तो देखा ये दो वर्ड एक साथ यूज हो गया, एंसिलरी और इंसिडेंटल, तो वैसे ही आपका है। इन चीजों को अगर आप देखिएगा तो ये आज इंटरप्रिटेशन वर्ड आया है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी कुछ याद है, हिंदी ग्रामर, देखिए इस बात में कोई बराय नहीं कि हम हिंदी बोलते हैं कि नहीं हिंदी समझे इसका मतलब हम थोड़े लोअर स्टेटा हो गए, नहीं, आप मुझसे संस्कृत के दोहे पढ़वा लीजिए, जितना आपको पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि संस्कृत भी था 10+10 तक,
टेंथ तक संस्कृत था तो उस समय पढ़ा था और संस्कृत में भी मार्क्स लाने थे, और वो पिटाई होती थी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें भी मार्क्स कम आया दे मुक्का, तो बस उस मुक्के के कारण जितने आज तक जो है वो काव्य शास्त्र विनोदना कालो गस्तिन धीमताम विष्णच मूर्खा नाम निंद्रा क्लेहन बा जल बिंदु निपाते न क्रम सब पूर्यते घट सर्व हेतु सर्व विद्यानांग धर्म से च धनस्य, जितना पूछना है पूरा का पूरा पाठ करवा लीजिए, पंडिताई करवा लीजिए, लेकिन वो सब इसीलिए याद है कि अब उसका यूज है। अब मैंने कब पढ़ा था, मैंने टेंथ कब किया होगा, आपसे तो पहले किया होगा। आप कहिएगा सर पुरानी बात आप क्यों करते हो, आपसे तो और पुराने, आपसे कम से कम 20 साल पहले मैंने टेंथ किया होगा मिनिमम, मुझे जो लगता है ज्यादा भी हो सकता है। तो जरा सोचिए उस समय का मुझे याद है सिर्फ मुक्के के कारण, मुझे तो मुक्के के कारण। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से रखा जाता होगा, बेटा यू हैव टू डू दिस, हमें बोला जाता कर लिया नहीं, और अगर बुलाया जाता था तो अगर आपको बुलाया गया बेटा इधर आना मैं अभी नहीं आती, अगर हमने ये बोल दिया तो फिर हम कहीं आने जाने लायक नहीं रहेंगे। अगर हम भी कभी कभी नखरे दिखलाते थे बेटा इधर आना आ रहा हूं, फिर किसी चीज में लग गए, बेटा इधर आना आ रहा हूं, बेटा इधर आना आ रहा हूं, फिर पता नहीं चला कब धम से आवाज हुई और चट की आवाज हुई, और उसके बाद पापा जी मैं आ ही रहा था, थे भी बहुत ढीठ, आप लोग थोड़े शरीफ होंगे, मैं बहुत ढीठ किस्म का था, जिद अभी भी जिद है, जो भी चीज की बड़ा जिद, अभी नहीं तो नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन मानेंगे एक मुक्के पढ़ते थे सब कर लेता, खाना खाना है भिंडी खाने की चीज है करेला खाने की चीज है, एक मुक्का पड़ा पता नहीं रोटी कहां गया भिंडी कहां गया करेला कहां गया, सब खत्म हो गया, सब पेट में चला गया। तो हर दिन खाने से पहले मुझे स्वीट डिश में मुक्का मिलता था आप लोग को खाने के बाद। तो यहां पे कह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, नोन बाय इट्स वर्स्ट एसोसिएट्स, जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो अब आपको हिंदी में पूछा था आपसे, हम लोग संस्कृत तक पे गए तो हिंदी तो कम से कम कुछ याद रहना चाहिए। हिंदी में आपको व्याकरण में समास याद है, उसमें देखते थे अलग अलग तरह के समास पढ़ते थे, कारक याद है, कर्ता ने कर्म को करण से संपादान काके के दी आपादान में पर अधिकरण हे अजी अहो अरो, ऐसे करके याद रखते थे। तो ये जो है आपादान तक ही होता है, इतने ही कारक हैं, उससे ज्यादा नहीं है, ज्यादा मत ऐड कर दीजिए। तो उसमें जो है वो लोटा डोरी दाल भात खाना पीना, तो ये सब जो है वो द्वंद समास बोलते हैं, जो एक साथ आते हैं और एक साथ आके ही इसका मीनिंग निकलता है। जैसे बोलते और खाना पीना हो गया, पिया नहीं है सिर्फ खाया है, पानी नहीं पिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, खाने के बारे में वो क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं। तो जो आज आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं वो बहुत पहले हमारे जो है वो कहिए तो पुरानों के वजह से व्याकरण तो वहां से ही निकला हुआ है। आप देखिए आप लाइट का स्पीड कहते हैं, आप मेजरमेंट करते हैं, पहले से ही जो है वो साउंड लाइट इन सब के मेजरमेंट करने का तरीका था। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने हैं, उस समय भी आपका अभी आप सुनते हैं ना कहीं पे अगर सेंसर लगा रहता है कहीं पे साउंड अगर हुआ तो उससे समझ जाए किस जगह साउंड हो, वहां जाकर के चीज हिट करेगा। ताली बजाया तो धूम मचा दे धूम मचा दे धूम, गाना बजने लगता है किसी गुड़िया में, ऐसे कर दे मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, नहीं गाना बजते लगता है मेरे बिटिया वाले एक डॉल में ये सब गाना है, और ऐसा ऐसा गाना रहेगा, फिर कीजिएगा तो छम्मा छम्मा जो थोड़ा सा पॉपुलर रहा जो बच्चों को क्या रहेगा याद रहेगा। ये क्या है सेंसर और बाकी सारा चीज, सोचिए उस समय पृथ्वीराज चौहान उस समय जो है जब उन्होंने मुगल को हिट किया था तीर मारा था तो उस समय उनके दरबार में उनको बोला गया था चार बांस 24 गजा अष्ट अंगुरस से पैमान इतने पे सुल्तान है मत चूको चौहान, जब उन्होंने सुल्तान क्योंकि उनके आंख को अंधा कर दिया गया था तब भी, अब तो उसपे शायद मूवी वगैरह बनी उससे भी कम से कम इतिहास को, अक्षय कुमार स्टारिंग है तब तो मैं जरूर देखूंगा, मुझे वो पसंद आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टर अच्छा हो तो उसके लिए देखा, और स्टोरी अच्छी है कम से कम एक हिस्ट्री को तो दिखाया गया है। सोचिए उसपे जो है वो उन्होंने तीर चलाया, उसे बोलते थे शब्द भेदीवान, शब्द के बेसिस पे चलाया और इससे पे चलाया जो आवाज कहां से आ रही है। अब सोचिए जरा ऐसे में आज के समय में आप जो कर रहे हैं जो सेंसर वगैरह ये क्या है, उसी का तो जो है बेसिकली ये है। उस समय भी पुष्पक विमान होते थे फिर आपका जहाज बना, आप जो है वो लाइट का जो है वो मेजरमेंट करते हैं। आप जाकर के पढ़िए हमारे जो है वो पुरानों में लाइट सूर्य की दूरी सब दिया हुआ है,
लेकिन वो लैंग्वेज अलग है, संस्कृत वगैरह में लिखा है। और कभी कभी इशू चलता है तो गोला लगा लगा करके लोग दिखलाते भी है कि देखिए इस जगह क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। मेरे कहने का मतलब जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बाद में आकर के हुआ है वो उससे पहले ऑलरेडी आप पढ़े, बस उसको हमने इस एंगल से नहीं पढ़ा है कि ये किसमें काम आ सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ। तो जो वर्ड होते हैं जो साथ जाते हैं वो क्या लेते हैं, साथ मतलब लेते हैं। जैसे माता पिता आए हैं तो भाई मेरे माता पिता या माता मेरे और पिता उनके, तब वो अलग बोला जाएगा। अगर मेरे माता पिता बोला गया है इसका मतलब है कि माता भी मेरे, और अगर जो है वो बोला जाएगा कि माता मेरे उनके पिता आए हैं तब बोलना पड़ेगा बीच में उनका नाम डाल करके। यही सब है आपके ग्रामर का इस्तेमाल कि किस समय कौन से जो है वो समास, किस समय कौन से कारक, या इंग्लिश के अकॉर्डिंग कौन सा केस, कौन से टेंस का क्या इस्तेमाल करना है। तो हमारा नेस्टुअर एसोसिएशन एक तरह से क्या है, उसी का जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसमें सेम तरह का जो है वो मीनिंग लेंगे। अगर दो वर्ड क्या आया है, साथ में आया है, उसी अकॉर्डिंग, जहां हमने फाइन का मतलब और फाइन का मतलब पेनल्टी, ये दोनों जो है वो देखा था। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, कहा ये दोनों का मिक्सचर है। कहा कि स्ट्रिक्ट तब लीजिए जब लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या हो, पॉसिबल हो, तो और कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा जो पेनल प्रोविजन होते हैं, जहां पे फाइन पेनल्टी वगैरह लिखा हुआ है वहां पे जो लिखा है उतना ही लेंगे और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। और कहा लिबरल कंस्ट्रक्शन हम ज्यादातर जो है वो उन केसेस में लेते हैं जैसे लेबर लॉ के प्रोविजन हो गए, या कोई और वेलफेयर अगर कोई प्रोविजंस है तो उसमें हम थोड़ा कौन सा कंस्ट्रक्शन लेते हैं, कौन सा इंटरप्रिटेशन लेते हैं, लिबरल। फिर हमने इस पढ़ना शुरू किया प्रिजम्पशन के बारे में, और हमने कहा था, देखा था कि जो हमारा कोर्ट है इसी कोर्ट को जजमेंट सुनाने, इंटरप्रिटेशन के लिए चीजों को दिया, लेकिन कहा कि चीज अगर क्रिस्टल क्लियर है तो क्या कोई प्रिजम्पशन लेना है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, हर दिन जो है वो मैं आ रहा हूं, तो वैसे कैसे मैंने बोला कि मैं कल आऊंगा, तो कोई प्रिजम्पशन आप लेंगे, कुछ भी नहीं बोला तो आप प्रिजम्पशन क्या लेंगे, मैं कल आऊंगा या नहीं आऊंगा। अब मुझे बताइए आपने प्रिजम्पशन लिया, लिया, लेकिन यहां प्रिजम्पशन आपने लिया कि मैं आऊंगा। अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो आपको प्रिजम्पशन लेना पड़ा, लेकिन अगर मैं आज बोल करके गया कि मैं कल आऊंगा तो कोई प्रिजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, आज की क्लास हुई टाटा गुड बाय, तो आपका प्रिजम्पशन रहेगा कि सर आएंगे ही, क्योंकि नॉर्मल केस में सर आते हैं, थोड़ा सा प्रिजम्पशन तो ये हो ही गया। अब हो सकता है इसमें मैं ना भी आऊं, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं जो है वो हर एक दिन छोड़ करके एक दिन कभी आऊं और कभी ना आऊं, तो आपको जो है वो हर दिन फिर प्रिजम्पशन, पता नहीं आज आएंगे या नहीं आएंगे, आप भी कोई प्रिजम्पशन नहीं ले पाएंगे, दोनों ही चीज में क्या रह जाएगा आपका, डॉट रह जाएगा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने बोला आपको कि मैं जो है वो मेरा एक सेमिनार भी है, अगर वो जल्दी खत्म हो गया तो मैं आऊंगा। अब देखिए अगर मैंने आपको ये बता दिया है तो फिर आपको लगेगा कि भाई ये प्रिजम्पशन में क्लॉज ये है कि अगर जो है वो जल्दी सेमिनार खत्म हुआ तो क्या होंगे, आएंगे। प्रिजम्पशन लेते वक्त आपको हेल्प टूल कुछ था या नहीं था, हाँ या ना, कुछ केसेस में कोई हेल्प टूल नहीं रहेगा, मैंने कुछ नहीं बोला आज की क्लास खत्म टाटा गुड बाय, बोला फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ऐसे ही खत्म करते हैं, या हर दिन बोलता हूं कि कल आऊंगा ही आऊंगा, मर जाऊंगा, आग लग जाए, कुछ हो जाए, आऊंगा ही, नॉर्मल यही बोलता हूं ना कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप यहां पे जो है वो यही प्रिजम्पशन लेंगे कि सर क्या होंगे, आएंगे, 99% तो ऐसा ही होना चाहिए प्रिजम्पशन, ठीक है। अगर मैंने ऐसे जाते वक्त बोला कि कल तो आना ही है, अब वो जो 1% था वो भी खत्म हो गया या नहीं, कि नहीं सर तो बोले कल तो आएंगे, शायद टेस्ट लेंगे इसलिए बोल रहे हैं, या क्या करेंगे जो बोल रहे हैं आएंगे, तो आप वो प्रिजम्पशन, ठीक ऐसे ही बोला गया कि कोर्ट कोई प्रिजम्पशन तब तक ना ले जब तक जो है वो किसी चीज में कोई भी प्रिजम्पशन लाइक चीज ना, चीज साफ लिखा हुआ है कोई प्रिजम्पशन लेने की जरूरत, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी प्रिजम्पशन ना ले ले, बल्कि किस डायरेक्शन में प्रिजम्पशन ले वो बताया जाएगा। मैंने कुछ नहीं बोला आप प्रिजम्पशन में मेरे आना लीजिएगा या नहीं आना लीजिएगा, क्लास खत्म हुआ मैंने कुछ नहीं बोला, अगले दिन आप मैं आऊंगा या नहीं, इसके लिए आप क्या प्रिजम्पशन लेंगे, आने वाला या नहीं आने वाला, मैंने कुछ नहीं बोला लेकिन आपने लिया ना प्रिजम्पशन, ठीक वैसे ही यहां पे होगा कि अगर मैंने कुछ नहीं बोला इसका मतलब मैं आऊंगा, यही प्रिजम्पशन हुआ। तो यहां इन्होंने कहा कि प्रिजम्पशन लेते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो इन्होंने बताया कि किस केस में किस तरह से हम प्रिजम्पशन लेंगे, किसी भी चीज को कहा गया कि कोई भी वर्ड है, राइट है, वो है, तो उसको लूजली नहीं लेंगे, बल्कि जो उसका सेंस दिया हुआ है क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लेंगे, किसी भी पर्सन को इनोसेंट नहीं मान करके चलेंगे। अगर कहीं पे कोई भी क्राइम हो रहा है और वो सिविल नहीं है बल्कि क्या है, क्रिमिनल एक्ट है, तो उस केस में मेंस रिया का होना क्या है, जरूरी है, गिल्टी इंटेंशन होना जरूरी है। कहा गया ये सब आपको प्रिजम्पशन लेकर के चलना है, इसमें आप कहीं भी कुछ और बुद्धि
नहीं लगाएंगे, प्रिजम्पशन लेंगे, और प्रिजम्पशन में क्या प्रिजम्पशन लेंगे ये बताया गया। ध्यान से समझिएगा बात को। इंटरप्रिटेशन में कहा गया कि बिल्कुल चीज क्लियर है तो कहा गया कुछ भी इंटरप्रेट करने की जरूरत, लेकिन अगर इंटरप्रेट करने लगे तो फिर देखेंगे कि कहां पे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन और कहां पे मिसचीफ रूल, और कहां पे आप जो है वो हिडन रूल लगाएंगे, और कहां पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे। पढ़ाया ना हमने, ठीक वैसे ही आप आगे बढ़ते चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रेट करते हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं पे अगर लग रहा है इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है तो फिर उस केस में क्या करेंगे आप, प्रिजम्पशन लेंगे। और प्रिजम्पशन इस तरीके से लेंगे कि किसी को भी आप पहले से ही इनोसेंट मान के नहीं चलेंगे और ना ही गिल्टी मान के चलेंगे। क्रिमिनल मैटर है तो उसका गिल्टी इंटेंशन होना जरूरी है। नॉर्मल केस में अगर कोई इंटरनेशनल लॉ है तो आप मान के चलिए कि हमारा जो लॉ है या कोई भी पर्सन इंडिया का वो इंटरनेशनल लॉ को नहीं जानता, अगर वहां पे गड़बड़ होती है तो आप वो प्रिजम्पशन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रायल कीजिए। लेकिन अगर लॉ ऑफ लैंड को नहीं जाता, लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या हो गया, इंडिया के जो कानून है, कहा कि हर आदमी यहाँ के कानून को जानता है, आप ये प्रिज्यूम करके जो है वो फैसला सुनाइए, ये नहीं कि पता नहीं इस पर्सन को यहाँ के लॉ के बारे में पता होगा या नहीं होगा। यही कुछ हमने प्रिजम्पशन लिया था। चलिए तो ये सारा कुछ हमने जो वेरियस प्रिजम्पशन जो है वो कर लिया था, तो यहां तक का सफर पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, कर लेंगे लिखने वाला काम, मुझे पता है वो हमने नहीं लिखा था, लेकिन चीजों को यहां तक समझ लिया था। अब यहां तक में मुझे बताइए कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द खोया पाया कुछ भी, पक्का सब ओके है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो है वो प्रिजम्पशन लिया, हमने इंटरप्रिटेशन किया, सब कुछ हमने किया। अब यहां पे दो बातें आती है, हम किसी भी एक्ट को समझने जा रहे हैं, किसी भी एक्ट को क्या करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। एक्ट को समझने का मतलब क्या हुआ, उसको क्या करना, इंटरप्रेट करना, उस एक्ट को हमें समझना रहेगा। तो समझने के लिए कोई भी चीज हम कहां से, बाहर वालों से पूछे, भीतर पूछे, एक्ट में कुछ देखे, कहा गया कि दो तरह से मदद मिलती है हमें। एक कहलाता है हमारा इंटरनल हेल्प, जिसको इंटरनल एड्स कहते हैं, इंटरनल हेल्प इन द इंटरप्रिटेशन, और एक क्या हो गया, एक्सटर्नल है। दो चीज, एक इंटरनल और एक क्या हो गया, एक्सटर्नल। आप नाम से ही बताइए, इंटरनल का मतलब है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो उसी के भीतर वो चीज दिया हुआ है, तो क्या कहलाया। जैसे हम तो एक्ट और स्टैट्यूट को ही तो क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। मैं एक स्टैट्यूट का नाम ले लेता हूं, कंपनी लॉ आजकल आप पढ़ रहे हैं वो भी ले लेते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट आपका जो है वो छोटा है उसके तुलना में, कंपनी एक्ट थोड़ा बड़ा है तो उसको ले लेते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट भी अगर लेते हैं तो वो भी एक एक्ट है। उसको जब हम पढ़ने लगेंगे तो उस एक्ट में भी कुछ चीजें दी हुई है, और उस एक्ट में जो चीजें दी हुई है वो है कि उस एक्ट का नाम, अगर आप बेयर एक्ट को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो आपको दिखेगा कंपनी एक्ट ही हो गया। तो कंपनीज एक्ट को भी जब आप, बेयर एक्ट का मतलब होता है एक्ट जैसे पास हुआ है, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजट, बिल्कुल उस स्टाइल में, जब आप उसको खोलेंगे देखेंगे तो उसमें प्रीएम्बल्स होता है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट होता है, एक्सप्लेनेटरी चीज होता है, उसमें शेड्यूल होता है, उसमें सेक्शंस होते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स होता है, यही सब चीज मैं आपको दिखलाऊंगा। और पता है आपको, रियल में कुछ दिनों के बाद, यानी कि अगर इस स्लाइड को मैं छोड़ भी दूं और 5-6 महीने के बाद जब आपके जो है वो चीजें खत्म होती है, उसके बाद जब आप करेंगे तो खुद ब खुद आपको ये सारे चीज आ रहे होंगे, क्योंकि तब तक आप जो है वो जितने तरह के यहां पे वर्ड है, टाइटल, प्रीएम्बल, मार्जिनल नोट, ये सब ऑलरेडी क्या कर चुके होंगे, देख चुके होंगे एक्ट में 50 बार, तो आपको ये कोई बड़ा चीज नहीं लगेगा। लेकिन हमें तो अभी ये जानना है ताकि हम किसी भी एक्ट को समझते वक्त इन जगहों से क्या ले सके, हेल्प ले सके और मदद ले सके। तो कहा गया कि सबसे पहले अगर किसी एक्ट को समझना है तो हम उसके इंटरनल से चलते हैं कि एक्ट के भीतर क्या क्या मिलेगा। मैं एक एक्ट ओपन करके आपको दिखा दिखा के समझाता हूं। टाइटल अगर वर्ड कहीं है तो टाइटल का क्या मतलब हुआ, एक्ट का नाम, जैसे मैंने बोल दिया फैक्ट्रीज एक्ट, टाइटल हो गया, ठीक है, कंपनीज एक्ट। अब मुझे बताइए इससे कुछ मदद मिला सुन के, क्यों नहीं मिला। फैक्ट्रीज एक्ट सुन के तो पता चला कि ये एक्ट जो है वो किस चीज को गवर्न करेगा, फैक्ट्रीज को गवर्न करेगा, इतना पता चला बस, और ज्यादा नहीं। अभी आप क्योंकि थोड़ा पढ़ लिए फैक्ट्रीज एक्ट इसलिए आपको लगा नहीं सर और बहुत बात पता चल रहा था। अब ऐसे ही जो है वो कंपनीज एक्ट, इतना जरूर पता चल रहा है कि ये एक्ट किससे रिलेटेड है। तो ऐसे ही एक होता है टाइटल में भी दो पार्ट होता है, एक शॉर्ट टाइटल, एक क्या हो गया, लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब बस इतना ही हुआ जो एक्ट का क्या है, नाम है। और यहीं पे अगर हम लॉन्ग टाइटल कहते हैं तो उसमें एक लाइन लिखा रहता है कि दिस एक्ट इज मेड फॉर कंपनीज, दिस एक्ट इज मेड फॉर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज। तो मुझे बताइए ये थोड़ा उससे बड़ा टाइटल हो गया, नहीं हुआ।
तो ये शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल आपको इतना कॉम्प्रिहेंशन तो दे रहा है कि ये किस चीज के लिए है। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि किसी भी स्टैट्यूट को, किसी भी एक्ट को अगर समझना है तो कौन कौन सा चीज हमारी मदद करता है, और उस मदद में हम पहले किसको पढ़ रहे हैं, इंटरनल, जो उस एक्ट के क्या मिलेगा, भीतर ही मिलेगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बेसिकली जो है वो किसी भी एक्ट का फर्स्ट पेज का एक पोर्शन होता है, और अगर स्पेसिफिक होइएगा तो प्रीएम्बल इज नॉट एग्जैक्टली द फर्स्ट पेज, उस फर्स्ट पेज का एक खास सेगमेंट जो है वो क्या कहलाता है, प्रीएम्बल। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, तो मैं आपको बतलाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये आपका जो है वो टाइटल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब अगर आप प्रीएम्बल देखेंगे तो प्रीएम्बल उसका पहला पेज नहीं है, पहला पेज रहता तो उसपे तो सिर्फ प्रीएम्बल ही लिखा रहना चाहिए था, उसपे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, टाइटल, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल दोनों लिखा हुआ है, एप्लीकेबिलिटी लिखी हुई है। लेकिन जो प्रीएम्बल है वो प्रीएम्बल उसका एक पोर्शन हुआ जो उसको जो है वो डिफाइन करता है। जैसे भारत के संविधान का प्रीएम्बल आपको पता है क्या, हाँ, वो पूरा का पूरा जो है हम लोग को जो है स्कूल में जो है वो बुलवाया जाता था, लेकिन खास तौर पे जब हम गवर्नमेंट स्कूल, मैंने आपको बोला भी था कि हर तरह के स्कूल में मैं पढ़ा हूं, बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा, बड़े से बड़े का मतलब इसलिए था कि पापा क्लास वन ऑफिसर थे तो हर स्कूल में एडमिशन होता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोटा होता है, वहां लेना पड़ेगा उन्हें, अदरवाइज पैसे तो उतने नहीं होते थे, हम गरीब लोग थे। छोटे स्कूल का मतलब है कि वो स्कूल जहां पे जो है वो सुविधाएं ज्यादा नहीं थी, उस स्कूल में सबसे ज्यादा ये कराया जाता था, वहां प्रार्थना पहले होती थी। जब हम मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे जो है वो दूसरा जीसस, क्या तो उसे बोलते थे, जो जीसस का करते उसको क्या बोलते, क्यू से कुछ होता है मिशनरी स्कूल में ना, उसको कुछ और बोलते, प्रार्थना नहीं बोल करके, असेंबली में कुछ जो पढ़ते हैं वो क्राइस्ट का जो है वो बाइबल का कुछ ये होता है, लाइन होता है, भूल रहा हूं मैं, बिटिया से पूछूं पता चले, क्योंकि वो भी मिशनरी स्कूल में ही है तो इसीलिए वो लोग हर दिन बुदबुद आती है। तो हम लोग को जो है वो जब एकदम प्योर सरकारी स्कूल वाला था, बोरा छाप वाला, तो उसमें जो है उसी तरह से दया कर दान भक्ति का प्रभु परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, जो भी जैसे भी हो, देखिए हर जगह एक नोबल पर्पस होता था। देखिए वर्ड कितने अच्छे, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, सब पे दया करे, मदद करे, ये सब था। और उसके बाद जो है वो एकदम अटेंशन में आकर के एक जो है वो लीडर दो तीन रहते थे और वो बोलते थे हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न संप्रभुत राज्य बनाने, ऐसे करके, और पूरा का पूरा बुलवाया जाता था। कम से कम पता तो चला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा संविधान है और ये हमारी क्या है, प्रीएम्बल, उसको प्रस्तावना भी कहते। देखिए हिंदी वर्ड देखिए, प्रस्तावना, किसी चीज को जब ऑफर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रस्ताव बोलते हैं। तो उससे प्रस्तावना से पता चलता है कि ये एक्ट किस पर्पस के लिए क्या किया गया, ऑफर किया गया। कोई भी एक्ट जब बनाया जाता है तो इंटरनल एक्ट में सबसे पहले तो उस एक्ट का जो नाम है वो शॉर्ट टाइटल हो गया, लॉन्ग टाइटल उसको जो एक लाइन में क्या किया है, डिफाइन किया है, और प्रीएम्बल हुआ कि जिस पर्पस के लिए वो क्या बना है, बनाया गया है। मैं आपसे वो शेयर करता हूं, मैंने एक बेयर एक्ट है आपका, ये जो है सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ वर्ड है ये आप जानते हैं, भारत का क्या लिखा हुआ है, हिंदी में क्या है, राजपत्र का संधि विच्छेद कीजिए, हिंदी में संधि विच्छेद करते थे, राजा का पत्र, राजपत्र, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय नहीं पढ़ते थे ये सब, तो वही संधि विच्छेद जब आप कहते हैं राजपत्र, राजा का पत्र, आपको पता है ये जो वर्ड आज भी यूज हो रहा है राजपत्र, क्या आज राजाओं का शासन है, वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री, राजा अब कहां, लेकिन आज भी ये राजपत्र ही कहलाता है। आज भी इंग्लिश नेम से तो दिक्कत नहीं है, हिंदी नेम अगर पढ़िएगा तब आपको लगेगा। ये बेसिकली आया कैसे है ये जरा देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा चीज मदद करता है हमें क्या करने के लिए, लॉ को इंटरप्रेट करने में। अब जो भी है ये इसके भीतर से लेंगे तो इंटरनल मदद हो गई। पहले के जमाने में क्या होता था कि राजा कोई भी चीज जब सुनाते थे तो फरमान निकालते थे, जब राजतंत्र था, ढोल बजाता एक बंदा आता था, बोलता था सुनो सुनो सुनो, राजा विक्रमादित्य का फरमान सुनो, ढम 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 ढम, डिगा डिगा नहीं, तब तो हो जाएगा डम डम डिगा 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 डम डम डिगा डिगा, तो वो बस जो है वो ढम 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 किया, सारे लोग वहां जमा हो गए। कोई जमा होगा तभी ना आप ऐलान करेंगे,
तो उस जमाने में यही तरीका था ऐलान के लिए, खड़े हो गए ऊंचे जगह पे और ढमढम बजाने लगे, सब आए और उन्होंने कहा कि राजा विक्रमादित्य ने, और कैसे उसके बाद ऐसे करके निकालते थे राजपथ, लगता था तलवार वगैरह नहीं, वो लपेटा हुआ सा रहता था, ऐसे करके खोलते थे और उस समय जो कपड़े या जो चीज होते थे उसी पे, जो चीज इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल था उसी पे वो लिखा हुआ संदेशा होता था। राजा का संदेशा यही तो था नोटिफिकेशन, और वो पढ़ा जा रहा है, जब पढ़ा गया इसका मतलब वो नोटिफाई कर दिया गया, और तब उसे पढ़ते थे और बोलते थे राजा विक्रमादित्य ने यह ऐलान किया है कि जो भी उनके राज्य में पहली बार चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा उसका बायां हाथ काट दिया जाएगा। वह बोलेगा दाहिना क्यों नहीं काटा, राजा विक्रमादित्य ने बोला। अब जिसका जो है वो पहले से बायां काटा होगा तो वो सारे प्रोविजन उसमें लिखे होंगे या नहीं, वो सारे इफ्ट लिखे हुए होंगे। जो दूसरी बार पकड़ा गया उसका दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा, फिर पकड़ा गया तो एक पैर फिर दूसरा पैर, उसके बाद उसे सरकलम कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये चीज जो है जब उन्होंने कह दिया और राजा ने उस पर साइन करके एक जगह रख दिया, जितने भी ऐसे घोषणा होते थे अनाउंसमेंट होता था, दोज ऑल शैल बी केप्ट इन सेफ कस्टडी, जो राज्य के मंत्री होते थे उनके सेफ कस्टडी में रहता था, जो लॉ मिनिस्टर हमारे हो गए आज के तरह, तो वहां पे उसे रख दिया जाता था। तो यही राजा का पत्र होता था। कल के डेट में अगर कोई कंफ्यूजन हुआ, किसी को सजा सुनाना है, तो राजपत्र में यह चीज क्या हुआ था, ऑलरेडी नोटिफाइड था, उसके अकॉर्डिंग सजा क्या होगी सुनाई जाएगी। ऐसे ही आज के समय में जो है इस चीज को राजपत्र वर्ड कैरी जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली आज के समय में क्या बन गया है, एक जो है वो बुक के फॉर्म में होता है, आज कॉपी और पेज के फॉर्म में रहता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। जब उसको डिजिटली लॉक कर देते और उस पे जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर दिया तो कहते हैं नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजट। NIOG का यही मतलब होता है, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, और ऑफिशियल गैजेट में जब तक कोई चीज नोटिफाई नहीं होगा तब तक वो इफेक्ट में नहीं आएगा। आपने बिल बना दिया, कानून भी बना दिया, साइन भी हो गया, लेकिन वो नोटिफाई नहीं हुआ गैजेट में तो वो इफेक्ट में नहीं आएगा। तो देखिए ये जो आपका हम लोग जो इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या मदद करेगा, तो ये मैंने नोटिफिकेशन से आपको दिखलाना शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसके लिए क्या हो गया, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लेकिन जरूरी नहीं कि हर केस में, कुछ और भी हो सकते हैं। अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ, ये देखिए ऊपर में ही देखिए, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसके जो है वो शॉर्ट टाइटल की बात कर रहा हूं, ये हुआ। अब इसमें जो है वो लॉन्ग टाइटल और करे तो उसमें ये सब शामिल हो जाता है, नंबर 18 ऑफ, इसका मतलब ये एक्ट जो है वो 2013 का कौन सा एक्ट है, 18, इससे पहले 17 और एक्ट 2013 में उससे पहले क्या हो चुके थे, नोटिफाई हुए थे, हो सकता है उसमें से कुछ अमेंडमेंट होगा, जो भी होगा, लेकिन सब तो एक्ट ही कहलाता है। देखिए ना, मैंने आपको दिखाया स्टैट्यूट में ही अमेंडिंग एक्ट वो कहलाया, और ये आपका जो है वो इस डेट को इंप्लीमेंट हुआ, ये भी लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए ये सब आपका जो है वो क्या हुआ, यहां पे जो है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू, ये इसका लॉन्ग टाइटल हो गया, ठीक है। अब यहां से जो शुरू हुआ ये इसका प्रायर प्रिलिमिनरी जो वर्ड है ये क्या कहलाया, ये इसका जो है वो कहलाया प्रीएम्बल्स, जहां पे ये बता देगा कि ये एक्ट जो है वो कंपनी एक्ट है, ये कहां से कहां क्या है एक्सटेंड है, कहां कहां ये क्या होगा एप्लीकेबल होगा, ये सारा कुछ बताना क्या हो गया इसका, प्रीएम्बल हो गया। अब अगले चीज पे आइए, फिर इसके बाकी चीज पे ऐसे ही कोरिलेट करेंगे कि कहां क्या दिया है और इसका क्या मतलब है। देखिए यहां पे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ये इसीलिए राइट साइड दिया कि ये पेज के ये हिस्से जो हैं वो आपका जो है वो शॉर्ट टाइटल का हो गया प्रीएम्बल्स, और ये इसका जो है वो एप्लीकेशन, ये नीचे करके यहां पे इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद अब जो जो और चीज रहेंगे कि ये लेफ्ट साइड में जो है ये क्या कहलाता है, सब अभी निकल के आएगा। इसका मतलब हम विद इन द एक्ट है, विद इन द स्टैट्यूट है, या स्टैट्यूट से बाहर है। अगला देखिए कोई पॉइंट, टाइटल समझ में आ गया, टाइटल में तो शॉर्ट टाइटल एंड प्रीएम्बल समझ में आ गया, ठीक है। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ ए चैप्टर, ध्यान से हेडिंग एंड टाइटल ऑफ ए चैप्टर, चलिए जरा देखते हैं टाइटल ऑफ चैप्टर क्या हुआ और क्या मतलब हुआ हेडिंग का, और देखिए वो आपको समझने में मदद करते हैं या नहीं। मुझे अब एक चीज बताइए, टाइटल ऑफ चैप्टर तो पहले आप आ जाइए यहां पे, देखिए चैप्टर वन है, यही तो इसका हेडिंग हुआ चैप्टर वन, चैप्टर वन। अब इसका टाइटल क्या है, ये जो है वो
प्रिलिमिनरी दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें जो है वो प्रिलिमिनरी बातें वगैरह लिखी हुई है, लेकिन ये और आप आसानी से समझेंगे तब जब इसमें मैं आपको ले जाऊंगा चैप्टर टू। दिखा, देखिए अब ये चैप्टर टू, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई इससे हमें मदद नहीं मिली? कैसे नहीं मिला? हमें नहीं पता चला चैप्टर टू में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो पढ़ने वाले वो नीचे तो दिया ही हुआ है, लेकिन हमें यह पता चला कि अब सेक्शन टू से जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, थ्री से जो आगे जाएंगे, उसमें चैप्टर थ्री आने से पहले तक हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? एंड मैटर इंसिडेंट, और उससे रिलेटेड चीज को पढ़ेंगे। किससे? इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद आप जो है वो अगर अगले चैप्टर में जाते हैं, अब जरा ये बताइए इससे कुछ मदद मिला? चैप्टर थ्री देखिए क्या लिखा हुआ है। अब हमें इतना पता चला कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो कंपनी जब शेयर वगैरह इशू करेगी, शेयर्स, डिवेंचर, जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट, देखिएगा पढ़ाऊंगा मैं ही गलती से, सिक्योरिटीज कितने तरह का होता और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अभी आप जो जेआईजीएल पढ़ रहे हैं और जो सेटिंग अप पढ़ रहे हैं, इससे कम से कम जो है वो 20 टाइम्स इंटरेस्टिंग सिक्योरिटीज लॉ है, बहुत, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, तभी तो बोला इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है। शेयर्स क्या है, डिवेंचर क्या है, कंपनी कौन सा इशू करती है, आए दिन जो देखते हैं प्राइस इतना बढ़ गया गिर गया, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, क्यों सुनते हैं कि आज ब्लैक फ्राइडे तो आज ब्लैक मंडे, इतने पॉइंट गिर क्यों गया, लोगों को इतना का नुकसान क्यों हो गया, क्या मार्केट को समझा नहीं जा सकता सेंसेक्स में? तो ये पॉइंट दिखता है, ये क्या दिखता है, कैसे कह देते कि आज 500 पॉइंट ऊपर चला गया, किसी ने धक्का दिया गिर गया, क्या अब धक्का दिया नीचे से धक्का, क्या बेसिकली ये है, सारे तरह के चीज, कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, क्यों जरूरत पड़ती है इशू करने की, कितने तरह के मार्केट हमारे पास अवेलेबल, मतलब टोटल वो सारी चीजें हैं जो आज के समय में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बना हुआ है। आप एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते होंगे, इस स्टॉक तो इस कंपनी के इस शेयर पे, इस कंपनी के इस चीज पे, उन सारे चीजों को जब आप देखते हैं तो उसमें यही लगता है कि अरे ये है क्या मार्केट, शेयर्स अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे बैंक में पैसा रखते वैसे शेयर्स को बैंक में कैसे रखेंगे, वो सारा चीज इससे। तो कह रहे कि इस चैप्टर में जो आपको रहेगा वो रहेगा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस का मतलब हुआ ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट सिर्फ प्रोस्पेक्टस नहीं है, यहां पर सिर्फ आप प्रोस्पेक्टस वर्ड जानेंगे, लेकिन यही चीज जब आप सिक्योरिटीज लॉ में आएंगे तो मैं प्रोस्पेक्टस वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं बोलूंगा ऑफर डॉक्यूमेंट। और उस ऑफर डॉक्यूमेंट का एक बिरादरी है जिसका नाम क्या है, बाकी उसके बिरादरी प्रोस्पेक्टस, आपका जो है वो एवरेज प्रोस्पेक्टस, फिर आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर, ये सब जो है वो ऑफर डॉक्यूमेंट के टाइप है, जिसमें से एक क्या लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस। तो मतलब प्रोस्पेक्टस, कंपनी जब किसी को कोई ऑफर देती है कि मेरे शेयर्स खरीद लो या अपने शेयर दे दो, तो वो जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है उसको यहां लूजली क्या बोला गया, प्रोस्पेक्टस। तो इस चैप्टर में हम किससे रिलेटेड चीज पढ़ेंगे, तो भाई इससे। तो मुझे ये बताइए ये चैप्टर जो है वो आपकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है लॉ को समझने में? एक और ऐसे ही करके देखिए, अगर आप देखेंगे शेयर्स कैपिटल एंड डिवेंचर, फिर ऐसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो यहां पे जो है वो आपके जो है वो मीटिंग्स ये सब आना शुरू, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी, मतलब आप एक एक करके चीज इसमें बदलते जाएंगे और आपके जो है वो क्या आते जाएंगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कंपनी को अकाउंट मेंटेन करने से रिलेटेड क्या चीज लिखा। तो मुझे बताइए क्या हम अभी एक्ट से बाहर जाकर के मदद ले रहे हैं? तो ये एक्ट के जो चैप्टर्स बटे हुए हैं ये हमें समझने में मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो यही चीज यहां पे है जो लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या है, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर। क्लियर है ये चीज?
लॉ को समझने में ये मदद करता है, लॉ ही हम स्टैट्यूट को समझना चाह रहे हैं कि स्टैट्यूट को कैसे समझेंगे, तो कहा इंटरनली ये सब मदद करेंगे। कंपनी लॉ जैसे ही वर्ड पढ़ा टाइटल में तो समझ गए कंपनी से रिलेटेड, प्रीएम्बल पढ़ा तो और समझ गए कंपनी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस वगैरह के लिए ये एक्ट क्या किया गया है, बनाया गया है। फिर एक एक करके इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर देखे, अच्छा अच्छा इसमें इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सब है। फिर ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्टर्स के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारा चीज रहेगा, कौन डायरेक्टर बन सकते हैं। फिर पढ़ेंगे तो मीटिंग से रिलेटेड कितने तरह की मीटिंग कंपनी में होगा, वो सब चैप्टर्स में बटा हुआ है। मार्जिनल नोट्स, मार्जिनल नोट्स जो है ये जब तक आप देखेंगे नहीं ना तब तक ऐसे में बोल दूंगा आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं तो शायद ज्यादा क्लैरिटी आएगा। अच्छा बताइए अभी दिखलाने के दौरान आपको मार्जिनल नोट्स कहीं दिखा था? बिल्कुल से, यही मैं कह रहा था कि कुछ चीज को इंटरप्रेट कीजिए खुद से। मार्जिन के बगल जो मार्जिन में लिखा है उसी को मार्जिनल क्या कह देते हैं? नोट्स। आप जब कॉपी में लिखते हैं तो ऐसे करके लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं मार्जिन? और बच्चे में तो बड़ी पार लगती थी, और पता नहीं हम लोग भी मार्जिन क्यों नहीं देते थे। शायद होता ना जो चीज ज्यादा बोला जाता है ना करने के लिए बच्चे में वो नहीं करते हैं, जब भी लिखना मार्जिन दे के लिखना। और टीचर इसलिए बोलते थे मार्जिन देने क्योंकि उसी में वो अपना कमेंट लिखते थे साफ तरीके से, नालायक रिवाइज करके आना या जो है ये वर्क पूरा करके आना। हम लोग सोचते थे कि अगर वो कम रहेगा तो कम से कम हमारे लिखे पे तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो हमें याद करना रहता है, तो इसीलिए वो मार्जिन छोड़ने बोलते थे ताकि उसमें वो चेक कर सके, इवेल्युएट कर सके। आपको पता है मैं दिखाऊंगा अभी गाइडलाइन में, आप लोग पढ़ते नहीं होंगे एग्जाम में क्योंकि अभी तो आपका वो गाइडलाइन सीएसईटी में नहीं होगा। सीएस एग्जीक्यूटिव का जब आपको कॉपी दिया जाएगा तो उसमें डेढ़ पेज में गाइडलाइन दिया हुआ है, और उस गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि आंसर करते वक्त मार्जिन छोड़ना है, और अगर आप नहीं छोड़े तो हम इलिजिबल है आपके कॉपी को चेक करने से छोड़ सकते हैं। एज पर गाइडलाइन कॉपी इज नॉट फिट फॉर चेक, ये कमेंट लिख सकते हैं। हालांकि इतनी दुष्टता नहीं करते हैं बट हम फ्री हैं ऐसा करने के लिए। अब आप देखिएगा ऐसे ही आप जा रहे होते हैं, रूल तो रूल होता है, अगर कोई ट्रैफिक वाला हिला मिल गया और कहीं जो है वो मान लीजिए आप दो लोग बैठे हैं, एक पीछे वाला हेलमेट नहीं पहना हुआ है, पकड़ सकता है या नहीं? ठीक है। अब जो है वो कोई फीमेल बैठी हुई है, वो हेलमेट नहीं पहने हुए, पकड़ सकता है या नहीं? पकड़ सकता है। लेकिन आप देखिएगा अगर जो है वो दो बागर बिल्ले बैठे हैं तुरंत पकड़ लेंगे मामू जी, लेकिन अगर एक बागर बिल्ला बैठा है और पीछे में कोई राम दुलारी राम प्यारी कोई भी हो वो नहीं रोकते हैं। अगर पहले वाले ने क्या किया हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, वो नॉर्मली ये देखते हैं कि उनको इनकन्वीनियंस होगा या जो होगा, मतलब एक नॉर्मल के, हालांकि रूल के अकॉर्डिंग वो रोक सकते हैं। ठीक वैसे ही जो है वो आपका जो है वो यहां पे है, वो रूल के अकॉर्डिंग आपके कॉपी को चेक करने से क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बट एज अ कस्टम नहीं करते हैं। लेकिन है मार्जिन, मेरे जैसा अगर आदमी रहेगा मार्जिन नहीं रहेगा तो पक्का कॉपी चेक नहीं करेगा और लंबा सा कमेंट लिखेगा। पता है क्यों? क्योंकि कॉपी आप घर मंगा सकते हैं, ये हमने अलाउ किया हुआ है बिना आरटीआई वगैरह के मदद के। अब सोचिए जरा, आप लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूट का कोई ईमान धर्म नहीं कॉपी कैसे चेक करते, हमने बोला कॉपी घर मंगा लो, देख के सुसाइड कर लो, क्योंकि उस पर तो लिखा हुआ रहेगा क्यों जीरो दिया है, क्यों ये दिया है। ऐसे तो बहुत बड़े चौधरी बनते हैं, क्यों? एक बंदा क्लास में खूब बोल रहा है, खूब हाई तबा मचा हुआ, ये इसका तो रैंक आएगा, रैंक यहां पे टीकाना लग रहा है और उसे क्या लग रहा है, रैंक लग रहा है। अब जब रिजल्ट निकला तो वो क्या कर रहा है, झूठा एरोमा क्रिएट करना, जो अक्सर हम अपने लाइफ में करते क्योंकि हम इतने मैच्योर नहीं होते, शो ऑफ करना। पता है लिखा था मैंने बाकियों को सही में जो है वो उस समय जो डिप्रेशन हो गया था क्योंकि जब एग्जाम में वो लिख रहा था या लिख रही थी, और ये काम सबसे ज्यादा रही वाली करती है क्योंकि मैंने भी कभी एग्जाम दिया है, बाय गॉड ये जो शो करते हैं भले जो है वो लिखे या ना लिखे। लेकिन पता है आपको, मैं प्रेशर में आ गया था क्योंकि हमेशा मेरा कॉम्पिटिशन वाला चीज थोड़ा हाई रहा है ये फैक्टर, तो पकड़ वाला कॉपी ले लेके लिखे जा रहा है। ऑल दो मेरा एक एक अटेम्प्ट में सब निकलता गया, कोई दिक्कत नहीं, और मुझे पता भी चला उसका कुछ नहीं निकला। अब बाद में किया हो ना किया हो, लेकिन आपको डरा जाओ। आप देखिएगा ना, आपके स्कूल में भी ये होता होगा, स्कूल तो छोड़िए कॉलेज में, जो सबसे डफर वो सबसे ज्यादा कॉपी, और दूसरे को जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स दे देगा कि सामने वाला, इन जनरल नहीं लेकिन ज्यादातर, दूसरे को परेशान करने के लिए, कि कॉपी के लिए मना थोड़ा ना कर सकते हैं, वो आपको मिल रहा है आप लेकर के जा रहे, सामने वाला सोच रहा है मेरा तो पेपर गया, इतना टफ पेपर है कि आप जैसे तैसे 80-90 कूद कूद करके 95 तक पहुंचे, फिर भी 5 नंबर का क्या हो रहा है, और आधा कॉपी भी नहीं भरा है, और सामने वाले ने 2-2 एक्स्ट्रा क्या ले लिया, तो उसको कॉम्प्लेक्स दे दिया। तो वैसे ही जो है वो यहां पे कह रहे हैं कि आप जब मार्जिन नहीं छोड़ते हैं तो उनके पास ये राइट है कि आपके कॉपी को क्या करेंगे, चेक नहीं। एक और बात, आपको पता है कि जब एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेज में करना है,
एक क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन नंबर वन ए बी सी डी लिख रहे हैं, कभी तो ऐसा होगा कि ए सीरीज खत्म हो जाएगा और बी आएगा। कभी मैं इसके लिए आपको अलग से एक क्लास लूंगा, मतलब उससे वेबिनार सेमिनार जैसा, जिसमें सारे बच्चे रहेंगे, अक्सर लेते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से भी लेते हैं बच्चों को बताने के लिए, पता रहेगा तभी ना, क्योंकि बच्चा उसी समय तुरंत नहीं पढ़ता है, क्योंकि उस समय तो उसको प्रेशर है कि भाई क्वेश्चन क्या आएगा, और वो जो 15 मिनट पहले कॉपी दिए जाते हैं वो इसी पर्पज से दिए जाते हैं कि आप सारा इंस्ट्रक्शन क्या कर लें, पढ़ लें। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर वन के एबीसीडी को लिख रहे हैं, खत्म हो गया एबीसीडी, अगर एबीसीडी लिख रहे हैं और यहां पे इस पेज में खत्म हुआ है और ये पेज अभी शुरू ही हुआ है, तो इस पूरे पेज को क्या करना है, छोड़ देना है, और क्वेश्चन नंबर टू या थ्री जो होगा वो क्या होगा, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, ये रूल है। क्वेश्चन नंबर वन ए आपने लिखा, क्वेश्चन नंबर वन ए खत्म हुआ, तो वन ए खत्म हुआ तो इस पेज में वन बी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका पार्ट है, अगले पेज में जाने की जरूरत नहीं है, आप जाना चाहे आपकी मर्जी, लेकिन इस बीच में एक लाइन होना चाहिए। ये सब गाइडलाइन है। आपको पता है अगर वो स्ट्रिक्टनेस पे आ जाए और इस बेसिस पे कॉपी छोड़ने लगे, 50% कॉपी चेक हो पाएगा, लेकिन रूल तो रूल होता है, और आप डिफेंस भी नहीं ले सकते इसका, क्यों नहीं ले सकते, आप सीएस बन के क्या करिएगा, रूल को ही तो कंप्लाई कीजिएगा, इसी रूल को इंटरप्रेट कीजिएगा ना, या रूल बनाइएगा, कानून बनाइएगा या कानून को इंटरप्रेट कीजिएगा, और इसी को कंप्लाई करवाइएगा ना ऑर्गेनाइजेशन को। यहां पे चार लिखे हुए चीज तो आपसे कंप्लाई नहीं हो रहे हैं अपने एग्जाम के, आप क्या खाक उतने सारे लॉ को, ये इंटरप्रिटेशन जाता है सामने, तो मुझे बताइए क्या उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया आपको ये देख के। तो इसीलिए मार्जिन इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि वहां पे कुछ क्या किया जा सके, मेंशन। मार्जिन का वही मतलब, जो मतलब आप जानते हैं जो साइड में रहे। अब यहां पे देखिए ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन क्या क्या बोलेगा, इसमें दिया हुआ रहेगा कि अगर ये एक्ट इससे पहले था तो उस समय 1956 में किस सेक्शन में था, या इसके पैरेलल में कौन सी बात कही गई थी। तो मुझे बताइए वो कहीं ना कहीं आपको एक्ट को समझने में मदद करेगा या कॉम्प्लिकेट करेगा। तो ये देखिए अब आपका जो यहां पे लिखा हुआ है, देखिए क्या है, बुक ऑफ अकाउंट एटसेट्रा शुड बी केप्ट बाय, इतनी सी बात थोड़ी इसमें होगी, अब और नीचे है, लेकिन ये तो कम से कम आप एक हाईलाइट करके देख लीजिए कि ये जो है वो इस साइड जो आप पढ़ रहे हैं, ये अभी किससे रिलेटेड है, कि आपका पहले तो सारा कुछ अकाउंट से रिलेटेड है, ये पूरा का पूरा चैप्टर, चैप्टर 9 के जितने भी सेक्शन हैं वो सब में अकाउंट से रिलेटेड बात है, और यहां पे शुरुआत की गई बुक ऑफ अकाउंट एटसेट्रा टू बी केप्ट बाय, कि कंपनी को कौन कौन से बुक और अकाउंट क्या करने हैं, मेंटेन करने, उससे फिर आगे जाइएगा तो फिर देखिए यहां पे क्या आ गया। अब इसने हाईलाइट कर दिया कि देखो भाई ये जो है 129 जो भी बोल रहा है वो किससे रिलेटेड है, और ये सब सब अकाउंट से के ही भीतर आता है। तो ये मार्जिनल नोट हमें हिंट देकर के एक जगह वहां पहुंचा दिया या नहीं पहुंचा दिया, यही चीज आप देखते हैं। छोटा सा जो अपने कॉपी वगैरह में आप सर्ट करते होंगे, नहीं स्टिकर जैसा आता है, स्टिकी स्टिकर, जिससे आप अपने रजिस्टर के सही पेज में पहुंच जाते हैं। आप लोग को मैं बोलूंगा बाद में करने की केस लॉ वाला चीज कहां पे है, तो ऐसे करके केस लॉ के लिए लिख दिया। जब बुकमार्क जो आप करते, बिल्कुल सही, तो ये आपको डायरेक्टली वहां पे क्या कर देता है, पहुंचा देता है। और सबसे ज्यादा जरूरत होगी जब हम न्यूमेरिकल वाले में आएंगे ना, जैसे सिक्योरिटी लॉ में ढेर सारे न्यूमेरिकल है, जैसे अकाउंट में बनाते वैसे न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल वाले में हर जगह बच्चों को बोलते कहां कहां न्यूमेरिकल है, इसको पीछे लिखो और वहां पे एक स्टिकर लगा दो कि न्यूमेरिकल वाला ये हुआ, केस लॉ वाला स्टिकी नोट्स कहिए, बुकमार्क कहते हैं वो आप जो लगाते हैं। तो मार्जिनल नोट्स हमारी मदद करता है या नहीं करता है समझने में, तो ये भीतर है या बाहर है, यहीं पे तो है आपके सामने। ये देखिए पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, सारा कुछ इसमें शेयर्स डिवेंचर के बारे में है, लेकिन ये 127 इस बात को कह रहा है, वो साइड में हमने क्या कर दिया, लिख दिया। कहां पे लिखा है, मार्जिनल, मार्जिन पे लिखा हुआ है दोनों साइड, ये मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन पढ़ते भी है हम लोग, तो राइट मार्जिन में इधर है या लेफ्ट मार्जिन में है, उस पे कोई नोट्स है तो क्या कहलाया, मार्जिनल नोट, वेदर इट इज विद इन द एक्ट और आउटसाइड द एक्ट, जो भी चीज यहां आपको दिख रहा है सब विद इन है, इससे बाहर कुछ भी जाएंगे तो क्या कहलाएगा, आउटसाइड। तो इसीलिए इंटरनल हेल्प है क्या करने के लिए, एक्ट को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। आइए, ये क्लियर है मार्जिनल नोट्स हमारा। इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन क्लॉज, अब देखिए डेफिनेशन क्लॉज इसके भीतर या इसके बाहर, सब इसके अंदर। ये डेफिनेशन जो है वो आपको समझने में मदद करेगा या नहीं, इसके लिए जरा सा हम फैक्ट्रीज एक्ट पे आते हैं, क्योंकि वो हमने क्या किया है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मुझे एक चीज बताइए, फैक्ट्रीज एक्ट में जो फैक्ट्री का डेफिनेशन हमने लिया है वो उसी एक्ट के अकॉर्डिंग है किसी और एक्ट के अकॉर्डिंग,
ठीक वैसे यहां पे अगर किसी को डायरेक्टर बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, तो वो सब इसमें डिफाइन किया हुआ है। और कहीं कोई कंफ्यूजन ना आए इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसी मतलब को लेना है जो मतलब यहां क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखिए जैसे मीटिंग को लेकर के चेयरमैन ऑफ मीटिंग जैसा वर्ड है यहां, ये सब सब नहीं होगी आपका मार्जिनल नोट्स। अब मैं जो आपको दिखला रहा हूं वो डेफिनेशन वाला क्लॉज, नॉर्मली सेक्शन 2 में ये पत्थर की लकीर नहीं है, वैसे ये याद रखिएगा। कहीं भी 1 और 2, 1 हमेशा प्रियम्बल होगा जरूरी नहीं है, कस्टम है। लेकिन 99.99% केसेस में जो है वो पहला जो है वो प्रियम्बल ले लेते हैं, मतलब डिफाइन करने जैसा क्या क्या स्कोप है बेसिकली। इसी तरह से सेक्शन 2 किसी एक्ट का जो है 95% केसेस में, 99.99 नहीं बोला इसका मतलब इस बार, यानी कि अब थोड़ा सा कम हो गया, 1 वाला तो ठीक वाला प्रियम्बल, लेकिन इसमें 95% केसेस में वो डेफिनेशन क्लॉज होता है। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे भी हैं जिसमें सेक्शन 2 में नहीं देकर के किसी और सेक्शन में डेफिनेशन को क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ऐसे आपको ये सब जो आप देख रहे हैं, अभी आप देखते जाइए, आपके सामने जो भी चीज है ये क्या है, ये सब डेफिनेशन है। अब यहां पे रिम्यूनरेशन, सबसे ऊपर जाऊं वो दिखा दूंगा। अब रिम्यूनरेशन का मतलब यही हुआ। अब देखिए यहां रिम्यूनरेशन का मतलब जो लिखा है मींस, मैं कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने उस एक्ट को बस उठाया है दिखलाने के लिए। मींस एनी मनी और इट्स इक्विवेलेंट गिवन और पास टू अ पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एंड इंक्लूड प्रीसिंक्ट्स परक्विजिट्स एज डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 19। ये यहां देख लीजिए और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मिनिमम वेजेज एक्ट, वहां पे जब मैं बात करूंगा रिम्यूनरेशन और वेजेस का तो देखिएगा वहां क्या मतलब है और यहां क्या है। यहां जो दिया हुआ है वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और ये देखिए 43 ऑफ 1961, ये क्या मतलब हुआ, ये मार्जिनल नोट में है ना, तो यहां ये इनकम टैक्स वाले से इसको क्या क्या कोरिलेट कि रिम्यूनरेशन को आपके सेक्शन ने 78 में दिखलाया है, सब सेक्शन 78 हुआ, इसका मतलब ये सब जो है वो सेक्शन 2 का पार्ट है। एकदम जब आप ऊपर चलिएगा तो आपको जो है वो देखिए एक लाइन से ये आपका यहाँ पे सब कुछ। अच्छा एक और चीज यहाँ पे, ये जो वर्ड है इसको जरा ध्यान रखिए क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। कितने नंबर पेज में याद रखिएगा तो 7, क्योंकि मैं कुछ आगे दिखलाऊंगा तो फिर ढूंढने में टाइम लगता है, एक्सप्लेनेशन टाइप करना पड़ता, क्योंकि वो भी इसका पार्ट है तो हम आसानी से देख लेंगे। अब यहां पे आप जब ऊपर आइएगा और सेक्शन 2 पे आइएगा, देखिए 1 खत्म तुरंत हो जाएगा और उसके बाद आपका आ गया सेक्शन 2 आ गया, यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो ये तो हमें मिल गया, एक हमें चैप्टर मिल गया, चैप्टर के ऊपर में लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी, उसके भीतर सेक्शन के बगल में जो मार्जिनल नोट्स है उसने ये बता दिया इस सेक्शन का, और अब इसके भीतर कह रहे डेफिनेशन, ये जो जो वर्ड है ये यही जो यहां पे है यही मतलब होगा। अब देखिए अल्टर और अल्टरेशन का मतलब क्या क्या होगा वो देखिए यहां पे, इंक्लूड द मेकिंग ऑफ एडिशन ओमिशन एंड, ये हुआ यहां अल्टर का मतलब। मुझे एक चीज बताइए, हमारे फैक्ट्रीज एक्ट में ये अल्टर का मतलब है, हमारे केस में तो अल्टर में डिमोलिशिंग तक भी किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहां पे अलग तरह से डिफाइन है, यहां पे क्या है अलग तरह से, वहां पे जो अल्टर वर्ड भी अगर यूज किया गया है तो उस अल्टरेशन का मतलब भी बहुत जो है वो वाइड है, लेकिन यहां पे जो मतलब है वो यहां पे बस लिखा हुआ है आर्टिकल। हर जगह आर्टिकल का मतलब देखिए क्या है, अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल आर्टिकल देखना, आर्टिकल का जनरल मतलब बताइए, फिर यहां पे मत अपने आप दिमाग को चौक कर लीजिए, भूल जाइए ये पढ़ा रहा हूं, एमी बात कर रहा हूं, आर्टिकल सामान, नॉट कोई भी चीज को आर्टिकल नहीं कह देते हैं, ठीक है लॉ को छोड़ करके मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, तो नहीं हम थिंग्स को ही आर्टिकल बोल देते हैं, 4-5 आर्टिकल लाने, 4-5 सामान लाना है वो भी आर्टिकल यूज होता है यहां पे। अच्छा ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल मतलब आप जानते हैं क्या, बिल्कुल यहां जिसको हम सेक्शन कहते हैं वहां पे क्या कह देते हैं, अब आप देखिए सब जगह मतलब बदल रहा है। अब यहां पे कंपनी लॉ में अगर आर्टिकल वर्ड कहीं यूज होगा तो बोला उसको क्या कहेंगे, कहा यहां आर्टिकल का मतलब हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम क्या कह रहे हैं, प्यार से क्या पुकार रहे हैं,
ये प्यार सिर्फ यही दिखाएंगे या बाकी लोग दिखलाएंगे? हाँ जी, कहा कि डैश और डैसी एक दूसरे को बाबू सोना बोलेंगे। दूसरे लोग सब नहीं बोल देंगे कि मेरा बाबू सोना, तब तो मारपीट हो जाएगा। वो एक दूसरे को दिखलाते रहे। ठीक वैसे ही यहां पे कह रहे हैं कि अगर यहां पे आर्टिकल वर्ड बोला, नहीं ये आजकल कस्टम है, खुद देखते हैं खूब चलता है, हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन ठीक है जो चले सब अच्छा है। यहां पे जो है अगर आर्टिकल वर्ड बोला तो आर्टिकल का मतलब क्या सामान हुआ? नहीं, डेफिनेशन में लिख दिया है आर्टिकल का मतलब आर्टिकल ऑफ। इसका मतलब आप कहीं जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड आपको रोका, बोला कि बताइए क्या करना है, तो दुकान में क्या करना है, दुकान में 4-5 आर्टिकल लेना है। अच्छा, आपको वो जाने देगा। आप दुकान के बाहर हैं, आपको बोला क्या लेना है, तो जाना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेना है, ये नहीं मिलता हमारे पास, मिलता है ना। अब मुझे बताइए क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वहां पे आर्टिकल मतलब हुआ? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्लियर है? ये कौन बता रहा है? डेफिनेशन। तो ये हमें एक्ट को समझने में मदद कर रहा है या नहीं? वरना एक्ट के इंटरप्रिटेशन में ही कौन कौन मदद करेगा? यही तो मदद कर रहा है, वरना हम उल्टा पुल्टा इंटरप्रिटेशन कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। चलिए अब अगले पे आइए। फिर इसके बाद देखिए प्रोविजो। प्रोविजो का मतलब होता है प्रोविजन। क्या मतलब होता है? प्रोविजन। और ऐसे ही जो है वो वर्ड आपको दिखेगा एक्सप्लेनेशन, आपके नोट्स में और डिटेल में भी लिखा है प्रोविजो। इसी को ब्रैकेट में यहां क्या लिख लेंगे? एक्सप्लेनेशन। यानी कि किसी भी एक्ट में जब सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो उसी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग वहां पे लिखते हैं कि ये चीज तो मैं बता रहा हूं, लेकिन इसको जो मैंने इतने छोटे में बताया है इसमें कुछ कंडीशन लगा हुआ है। प्रोविजो का मतलब होता है प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड का मतलब होता है कि मैंने बोला कि आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एग्जाम क्लियर करेंगे ही करेंगे। प्रोवाइडेड, पहला प्रोविजन यही हुआ प्रोविजो। प्रोवाइडेड यू आर कंप्लाइंग विथ या यू आर फॉलोइंग माई ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यू आर अपीयरिंग इन टेस्ट एग्जाम, ऐसे ऐसे करके। तो ये सब क्या हो गया? प्रोविजन। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है? जो स्टेटमेंट मैंने कहा है उसी के लिए। तो प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो ऊपर में कहे गए स्टेटमेंट को क्या करने के लिए होते हैं? सपोर्ट करने के लिए। तो जब भी आपको लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, याद है वो पेज नंबर 7, तो अगर आप जो है लॉ में कहीं भी कोई चीज लिखा है और उसको इंटरप्रेट करने के लिए जा रहे हैं, तो अब देखिए यही था एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन के ठीक ऊपर आइए, किसको, किसके बारे में ये कहा जा रहा है? तो अब ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ और सिर्फ किसको क्लियर करने के लिए है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके ठीक नीचे एक्सप्लेनेशन रहता तो उसके लिए था। तो ये जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है ये सिर्फ किसके लिए है? मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 के लिए। ठीक ऐसे ही आपको ढेर सारे प्रोविजो दिखेंगे जिसमें लिखा रहता है प्रोवाइडेड। अब इसीलिए मैं ऐसे करके जा रहा हूं कि इस सेक्शन के बाद 2 के बाद ही कहीं वो सब आपको, ये देखिए आ गया। अब यहां पे लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर फेल्यूर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आपने डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया और आपने जो है वो नहीं प्रोवाइड किया तो आपको फ्री लंच फ्री डिनर बहुत सारे जो है वो प्रोविजंस इसमें है, मैम बताएंगी आपको जब आप यहां पे पहुंचेंगे। तो मेरे केस में इसका थोड़ा बहुत हिस्सा आएगा क्योंकि मेरे केस में अलग आएगा। मेरे केस में जितने स्ट्रेटजी से रिलेटेड कंपनी में बातें होंगी ना कि कौन एंटरप्रेन्योर बने, कैसे कंपनी को चलाए, क्या विचार आया कि आप कंपनी ही बनाने के लिए सोचे, कुछ और तरीका क्यों नहीं सोचा, कैसे रन कराएंगे, वो है सेटिंग अप अ बिजनेस एंटिटी में। और जो इसके एक्ट्स वगैरह सेक्शंस वगैरह आते हैं वो कहां पे है? वो कंपनी लॉ में, तभी दो अलग अलग बना। सेटिंग अप अ बिजनेस में एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो होगा कंपनी लॉ का वो मेरा हिस्सा रहेगा, और जो सेक्शन वाला जर्नी रहेगा वो कंपनी लॉ का क्या रहता है? पार्ट रहता है। तो यहां पे आप देखिए जो यहां कहा गया सेल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट फॉर अ पीरियड फॉर विच सच डिफॉल्ट इज कंटिन्यू। अनाउंस किया नहीं दिया तो 18% का इंटरेस्ट लगेगा, बाकी करेंगे बात। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड। इसका मतलब जो बात इतने में कही गई है, यानी कि इससे ऊपर 126 सेक्शन है तो सबके लिए हो गया, सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन के लिए कहा गया प्रोवाइडेड दैट नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड। क्या? इफ द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी
अरे भाई लॉ ने बोला था, हाई कोर्ट ने मना किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अभी जो है वो कंपनी में अमाउंट को फंड के मिसमैनेजमेंट का जो है वो केस आया हुआ है, जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक कंपनी के अकाउंट से कोई पैसा नहीं जाएगा। तो क्या डायरेक्टर अपने जेब से डिविडेंड देंगे? कहां से पैसा जाता है? कंपनी के ही अकाउंट से अलग इसक्रो अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, लेकिन कंपनी के ही अकाउंट से जाता है। भूल जाइए इसक्रो अकाउंट, अगर अभी नहीं सुना है तो परेशान मत होइएगा, एक अलग अकाउंट बनता है। जब भी आप अपने शेयर होल्डर से पैसा लेना चाहते हैं या पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं या अपने शेयर होल्डर के बीच पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, ताकि आपके आज के जो बैंक अकाउंट है उसमें हर दिन सैलरी वगैरह का जिक्र होगा, सामान खरीदेंगे तो आएगा पैसा आपका जाएगा, आपका सामान बिका तो पैसा आएगा, दिन भर में 50-100 ट्रांजेक्शन होंगे, उस ट्रांजेक्शन के बीच में वो घूम ना हो जाए कि किससे पैसा आया शेयर्स वगैरह खरीदने पे, या किसी को पैसा देना है डिविडेंड का तो करोड़ों शेयर होल्डर होंगे, कितनी एंट्री हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि टोटल कितना पैसा डिविडेंड के नाम पे गया, क्योंकि सबको जोड़ना पड़ेगा। कहा इससे अच्छा एक अलग अकाउंट बनाओ, उसमें पैसे ट्रांसफर कर दो, जितने पैसे वहां से डेबिट हो गए जिस भी मीडियम से हुआ हो, अगर पैसे डेबिट हो गए इसका मतलब इतना पैसा लोगों ने ले लिया और अभी कुछ लोगों के पैसे वहां क्या हैं, बचे हुए हैं, और वो पैसे वहां पे रखे रहना है। अगर 7 साल तक कोई नहीं लेता है तो उसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भेज दिया जाता है, और ये जो है वो सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंट्रोल करती है। और मैंने शायद आपसे शेयर किया था कि मैं सेबी के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का भी मेंबर हूं, जहां पे हमारा काम उन्हीं पैसे से इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है। तो देखिए पैसा कहां से लाएंगे, अपने जेब से ला करके थोड़ा ना देंगे। तो यही जो पैसा बचा हुआ, हो सकता है किसी ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो हमने रखा हुआ, कितने साल तक रखा, 7 साल तक रखा। अब कंपनी वाले अकाउंट में 7 साल तक रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन किस चीज के लिए, तो वो इसक्रो अकाउंट में 7 साल तक पड़ा रहेगा, और नहीं जब उसने क्लेम किया तो ये नहीं कि कंपनी वापस ले लेगी, वो कहां चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, जो कहीं ना कहीं घूम फिर करके बाकी लोगों के क्या आ गया, काम आ गया। तो यहां पे देखिए यही जो प्रोविजो है ये आपकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी को प्रोविजो को ही डिटेल में क्या बोलते हैं, प्रोविजंस। क्लियर है? तो ये जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, देख लिया आपने, एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी देखा था मैनेजिंग डायरेक्टर के केस में, और ये प्रोविजंस जैसा भी देख लिया, ये आपको समझने में मदद कर रहा है या नहीं? अगर ये प्रोविजन आपके सामने नहीं रहे तो आप तो यही बोलेंगे कि किसी भी केस में अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो 18% का क्या लगना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा अगर किस कारण से नहीं दिए, लॉ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोर्ट ने मना किया था, एनसीएलटी ने मना किया हुआ था, उस कारण से हमने नहीं दिए, या वेयर द शेयर होल्डर्स एज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी, शेयर होल्डर नहीं बोला था कि मुझे जो है वो पैसे मत देना, मेरा पैसा जो है वो फलाने जगह रख देना या कम्युनिकेट कर देना, तब हमने आपको नहीं दिया, तो हमने कोई गलती थोड़ी ना की। कहने का मतलब है कि प्रोविजन विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूट एंड अंडरस्टैंड द एक्ट। क्लियर है? अभी तक जितने ऊपर में चीज आए ये सारा क्लियर है? याद रखिएगा ये सब पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इतने से नहीं काम चलेगा। ये तो मैंने इसलिए दिया, और आप कहेगा सर तो लिख के क्यों नहीं दिया, दिया है लिख के, एकदम खूब लिख के दिया है, जी भर के लिख करके वो जो है वो नोट्स में क्या है दिया हुआ है, एकदम टेबल में। सिर्फ इतना ही नहीं दिया हुआ है बल्कि क्या किया, टेबल में यही आपको जो दिया जाएगा। अच्छा देखिए मैंने उस समय मना किया तो अभी नहीं आया है, ठीक है आप लिखने लगेंगे तो मैं अभी आप तक, आपको आज ये नोट्स मिलेगा, इसीलिए मिलेगा क्योंकि अब ये देखिए अब इधर भी लिखा हुआ और साइड में क्या है उसका एक्सप्लेनेशन भी है, और ये एक्सप्लेनेशन अभी हम पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ते भी जा रहे हैं, और यहां पे जो है वो यही सारा चीज क्या है, देखिए यहां पे एक्सप्लेनेशन वर्ड भी दिया है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी है जो यहां पे हमने लिखा है, इसको भी देख लेंगे, और कोई चीज या कहीं कुछ रहे पहले जो यहां पे जितना है उस पे आते हैं। इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन आ तो गया, यहां पे ही तो था, हम यहां पे लिख रहे थे, दोनों चीजें की है। कोई भी एग्जांपल या क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन, आपने देखा इलस्ट्रेशन कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कि मैनेजिंग डायरेक्टर रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, This shall be considered as remuneration of director. अब उसमें confusion हुआ और कौन कौन सा चीज होगा, तब वो example में दे देंगे कि if any director is getting this as perquisite, like car is given by the company, the amount of that facility shall also be considered as remuneration. Some houses given by the company
टू एकोमोडेट देयर, कुछ तो उसका रेंटल वैल्यू होगा, दैट अमाउंट शैल ऑल्सो बी कंसिडर एज, अब ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा तभी ना थोड़ा क्लियर होगा. तो कोई भी चीज जहां पे एग्जाम्पल्स दिए हुए, इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल ही होता है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उस चीज से हमें लॉ को समझने में मदद मिलेगी या नहीं, तो वो भी क्या कहलाया, इंटरनल या एक्सटर्नल एड कहलाया. तो इंटरनल हेल्प ही हमें मिला, जो भी उसके भीतर रहा. शेड्यूल, शेड्यूल बेसिकली लिस्ट होता है. क्या होता है ये, लिस्ट होता है. और जब हम किसी एक्ट में किसी चीज को बता रहे होते हैं तो होता क्या है कि वहां पे अगर हम लिस्ट को भी लिखने लगे तो सेक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा. जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉलोइंग थिंग्स शैल बी कंसिडर अंडर सिक्योरिटीज एज पर कंपनीज एक्ट. अब ये चीज तो बताना, अभी आपने देखा ना अलग अलग तरह के जब इंस्ट्रूमेंट हम इशू कर रहे हैं, रेजिंग ऑफ फंड एंड प्रोस्पेक्टस, अब उस सेक्शन में देंगे तो बड़ा लंबा सा हो जाएगा, हर बार ये चीज लिखना पड़ेगा. तो इससे अच्छा लिख दिया कि एज पर शेड्यूल दिस, दिस शैल बी कंसिडर एज सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट, वो शेड्यूल दे दिया. वो एक तरह से कहिए क्या होता है, लिस्ट होता है, टेबल, कहीं पे उसको टेबल बोल देते हैं, कहीं पे उसको क्या बोल देते हैं, शेड्यूल. तो टेबल, शेड्यूल, दीज आर द लिस्ट. अगर उसको हम सेक्शन के नीचे लिखेंगे तो बड़ा सा हो जाएगा, तो हम वहां पे बस छोटा सा चीज लिख देते हैं. जैसे आप पढ़े होंगे, मैम पढ़ाई होंगी या पढ़ाएंगी, कि अगर मान लीजिए कि किसी भी जगह पे आर्टिकल में कोई चीज लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भाई टेबल एफ को देख लीजिए. या बताइए किस चीज में टेबल एफ का यूज करते हैं, किस चीज के बारे में आर्टिकल साइलेंट है. हाँ, अब यही चीज है कि जैसे अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेकर के प्राइवेट कंपनी है तो लिखा हुआ है आर्टिकल में, बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो कहां जाएंगे, और वहां भी नहीं है तो ट्रांसफर को लेकर के तो मूवेबल प्रॉपर्टी के जो क्लॉज होते हैं वो लगाएं. अब देखिए ये बात आपका जो है वो टेबल एफ, तो वो टेबल एफ बना हुआ है, वहां जाकर के देख लीजिए. या तो आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाइए, या लिखा हुआ है टेबल ए बी सी डी ई, आपको कौन सा इसमें से सेलेक्ट करना है वो आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए. अब ये डिपेंड करता है, कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी एज वेल एज शेयर्स है. मेरे कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि जो बात अगर हम वहां लिखते तो क्या हो जाता, बड़ा होता, उसके लिए अलग से हमने स्पेस क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया. जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, जेंडर लाइफ का एग्जांपल, मान लीजिए कहीं पे आप देखिएगा कि क्या क्या जो है वो फूड ऑफर किया जा रहा है, इसके लिए एक एक चीज लगा हुआ है. तो मान लीजिए स्वीट्स है यहां, इसके लिए स्वीट्स का एक काउंटर लगा है, उस पे सारे स्वीट्स नहीं है, एक सिंबॉलिक स्वीट्स है और लिखा हुआ है अवेलेबल एट दिस हॉल. जहां बड़े बड़े जगह कभी जाइएगा, फाइव स्टार सेवन स्टार होटल में, एक ही जगह सारा नहीं था, पहले आपको सिर्फ एक जो है वो लुक दिखलाया जाएगा कि क्या क्या अवेलेबल है, डेजर्ट में क्या क्या तो वहां पे लिखा रहेगा, स्टार्टर में क्या क्या तो लिखा हुआ रहेगा, एक आइटम है और बाकी लिखा हुआ है, और इसका सेक्शन लिखा हुआ है कि इतना नंबर ब्लॉक में. आप कहेंगे सर खाने के लिए ब्लॉक में, हाँ जी, इतने बड़े में जो है वो खाना सर्व किया जा रहा है कि अगर लिखा नहीं रहेगा तो आप पूछते चलेगा, यार बताइएगा सैलेड कहाँ पे है, कोफ्ता आपको पता है किधर का है, ऐसे करके लोग एक दूसरे से पूछते रहेंगे. और खाने के आइटम एक दो नहीं होते, हजार के नंबर में होते हैं, जहां पे सेवन स्टार होटल वगैरह में कोई बड़ा आयोजन हो रहा होता है. हमारे और आपके घर में कुछ होता है तो सैकड़ों की संख्या में हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, छोटे बड़े चटनी दिस दैट पापड़ सापड़ मिलाते उलाते, आजकल तो गोलगप्पे भी मंगा लेते हैं, चाउमिन भी रहता है, तो कैसे हम लोग कर देते हैं कि उस काउंटर में जो है फास्ट फूड, ऐसे उस वाले काउंटर में स्वीट्स. तो लेकिन ये जो है वो इंडेक्स की तरह हो गया. आप बुक पढ़ते हैं, बुक में देखते हैं कि पूरे बुक में क्या है वो इंडेक्स में लिखा हुआ है, ठीक ऐसा ही खाने में रहता है कि पूरे के पूरे जगह पे क्या क्या है उसके लिए एक स्वीट का काउंटर छोटा सा, कि आपको समझ में आ जाए कि ये स्वीट्स है और उसका लिस्ट बना हुआ है, और आपने देख लिया अच्छा अच्छा इसका मतलब मिठाई भी कहीं है ब्लॉक डी में, बस यहां से दिख रहा है बड़ा बड़ा बैनर ब्लॉक डी वहां ई वहां, तो वहां जाएंगे वो मिठाई क्या करेंगे खा लेंगे. फिर आपको अब और कुछ ढूंढना है तो उस ब्लॉक में ना होकर के फिर इंडेक्स में चले जाइए, इस जगह आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा सब स्टॉल सिंबॉलिक लगा हुआ है कि यहाँ टोटल खाने के क्या क्या आइटम है. तो वैसे ही आपका जो है वो शेड्यूल है जो कहता है, इसका जिक्र किया हुआ है कि फलाने शेड्यूल को रेफर करें, अब वहां पे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इतने छोटे जगह में कैसे चीज, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ मिठाई भी नहीं पूरी हो पाएगी क्योंकि 50 तरह की तो मिठाइयां हैं. लेकिन अगर मिठाई का एक यहां पे नहीं रहेगा आपका कोई बना हुआ, तो मैं पता कैसे चलेगा कि खाने में यहां मिठाई भी है, चाइनीज भी है, कोरियन भी है, ये भी है, तो वो सब एक डिस्प्ले हो गया एक तरह से, उसी को क्या बोलते हैं हम,
शेड्यूल। तो ये जो शेड्यूल हमारा है, ये शेड्यूल जो है वो लिस्ट होता है। अब इस शेड्यूल में जैसे अलग अलग होते हैं, कंपनी एक्ट में वहां पे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल होगा, यही जब आईडीआरए आप पढ़िएगा, यही जब आप आरबीआई एक्ट पढ़िएगा, जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अक्सर सुनते होंगे, देखिएगा आप कंपनी लॉ भी पढ़िएगा तो बार बार वर्ड आ जाएगा, बैंक की जगह वर्ड रहेगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक। पता है ये क्या हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 उसमें चले जाइए, उसके शेड्यूल टू में लिस्ट दिया हुआ है कि किस किस बैंक को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक का दायरा देते, कमर्शियल बैंक का स्टाम्प देते, कमर्शियल बैंक का क्या दे रहे हैं, स्टेटस दे रहे हैं। कहां लिखा हुआ है, शेड्यूल टू में। तो शेड्यूल टू लिस्ट हो गया, बैंक्स अप्रूव्ड बाय आरबीआई फॉर रनिंग कमर्शियल एक्टिविटी। वैसे ही यहां पे किस में हो गया, आपके कंपनीज एक्ट में जब आइएगा तो यहां पे है, कंपनीज एक्ट के अलग अलग आप शेड्यूल देखे होंगे, सब में लिस्ट दिया हुआ है कि किस चीज में कौन कौन सा चीज आपका, जैसे यहां पे ही आप देखिए, मैं इसमें सर्च करता हूं, अब देखिए यहां पे इस शेड्यूल में क्या दिखा हुआ, ये देखिए, यूजफुल लाइफ टू कंप्यूट व्हाट, डेप्रिसिएशन। तो अब यहां आकर के आप डेप्रिसिएशन का चीज चेक कीजिए। ऐसे ही जो है आप जो है वो किसी और में जाइए, यहां पे देखिए क्या दिखा हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ। अब इसमें ये चीज होना चाहिए। अब ज्यादा बड़ा इसको, जबकि अकाउंट वाला चीज आपने वहां पढ़ा था, चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, उसमें नहीं, जबकि वहां भी तो दे सकता था, जहां पे अकाउंट से रिलेटेड सारी बात करेंगे तो उस सेक्शन में नहीं देकर के वहां बार बार वो लिख देगा एज पर शेड्यूल 3, एज पर क्या लिख देगा, शेड्यूल 3, कि वहां जाकर के आप देखिए कि बैलेंस शीट का कॉन्टेंट क्या होगा, पीएनएल का कॉन्टेंट क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए, एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में क्या होना चाहिए, ये यहां पे आपका दिया रहेगा। अब इसी शेड्यूल के पार्ट में 1 में बैलेंस शीट फिर ऐसे ही करके दिया हुआ है। तो क्या ये शेड्यूल हमारी मदद नहीं करता एक्ट को इंटरप्रेट करने में, तो ये सब जो है वो एक्ट के विद इन है या आउटसाइड, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल हेल्प, इंटरनल एड्स इन इंटरप्रिटेशन। अब जरा सोचिए एक्सटर्नल का क्या मतलब, बोलिए नॉर्मल, पहले लिटरल इंटरप्रिटेशन तो कीजिए महान आत्माओं, यही पढ़ा है डिक्शनरी, मतलब तो यही हुआ एक्सटर्नल, बाहर। तो बाहर का मतलब तो बहुत चीज होता है, जो इस एक्ट में नहीं उसके बाहर हो, जो भी इस बेयर एक्ट वाले पोर्शन अभी तक जो भी आपने देखा, चाहे प्रियम्बल देखा, चाहे शॉर्ट टाइटलमेंट देखा, चाहे लॉन्ग टाइटल देखा, चाहे चैप्टर्स देखा, चाहे आप प्रोविजन देखा, इलस्ट्रेशन देखा, एक्सप्लेनेशन देखा, ये सब के सब चीज, शेड्यूल देखा आपने, ये सारे के सारे चीज कहां थे, यही बेयर एक्ट में ही तो थे। मैं चैप्टर दिखला रहा हूं और हर जगह दिखला रहा था, मतलब खोल करके पेज और आपको दिखला रहा था। अब जो कहेंगे वो वहां पे नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं और से क्या करना पड़ेगा, मदद लेना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन के लिए। जैसे इसमें कह रहे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, एकदम ध्यान से समझना है तभी इसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल, क्या मतलब हुआ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का। याद रखिए हम पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैट्यूट, किसी एक्ट को इंटरप्रेट करना है तो उसमें पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्या करेगा, जो केसेस पहले हो चुके वो नहीं हुआ। आप कुछ और बोल रहे थे, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, पार्लियामेंट क्या करता है ये तो बताइए। हाँ, पार्लियामेंट जब एक्ट बनाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो उसमें कुछ ना कुछ तो आपस में डिस्कशन हुआ होगा, उनका अपना जो है वो डिस्कशन हुआ होगा, हिस्ट्री तो यही पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, लोकसभा राज्यसभा में क्या बहस, देखिएगा आगे भी आएगा क्या क्या उनके बीच में जो है वो बहस हुई थी, किसी ने हाँ बोला था, किसी ने ना बोला था, क्या मुद्दा था जिसके बेसिस पे क्या हुआ, क्योंकि आपको इंटरप्रिटेशन करते वक्त लेजिस्लेचर का इंटेंशन जानना है या नहीं, याद कीजिए कितने सारे इंटरप्रिटेशन में इंटेंशन जानना है, तो वो इंटेंशन जानने के लिए तो हमें किस में जाना पड़ा, तो उसने मदद की या नहीं की हमारी, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, वो क्या ऐसी स्थिति थी जिसके कारण बनाना पड़ा। जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट,
अगर अब उसके सर्कमस्टांसेस और हिस्टोरिकल चीज में जाएंगे तो हम देखेंगे कि उस समय जो है वो फीमेल का अच्छा जो है वो स्टेटस नहीं था सोसाइटी में, मेल डोमिनेंट सोसाइटी था, उनको उतने अपॉर्चुनिटी नहीं दिए जाते थे, सप्रेस किया जाता था, जो काबिल थे उनको भी काम करने नहीं दिया जाता था, बहुत ज्यादा भेदभाव था। यही तो हुआ आपका, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं हुआ। और सर्कमस्टांसेस ऐसा था कि सब लोग बहुत गरीब थे, आजादी के समय ऐसे ही सबकी स्थिति खराब थी। उसके बाद अगर रामदीन राम खिलावन हरिया बंसी बिरजू, रामदीन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा कमाएगा, हम और आप मान लीजिए घर में एक आदमी भी अगर वर्क करेगा तो अच्छे पैसे आ जाएंगे, लेकिन सोचिए जरा जो डेली वर्कर है। और एक बड़ा अजीब तरह का चीज है, भगवान भी बड़ा कमाल का काम करते हैं, जहां पे जो है वो पैसे की बरकत नहीं रहेगी वहां बाय गॉड इंसान भर के देंगे। रामदीन राम दुलारी, पैसे की कमी, लेकिन बाय गॉड चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी टिन्नू बबलू, और अभी जो है वो चुन्नू के छोटे भाई आने की भी तैयारी है, जो भी रहे। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे टीम तैयार है और एक्स्ट्रा प्लेयर की भी तैयारी है। यानी ये जो है ज्यादा लोग, जहां ज्यादा ज्यादा मतलब पैसे वगैरह ज्यादा, अच्छा पता चला एक बच्चा, तीन तीन फ्लोर चार चार फ्लोर बड़ा सा घर, बच्चा कहां ढूंढो जी किस फ्लोर पे है। उसके बाद फ्लोर पता चला तो अब पता करो किस रूम में है। और अगर जो है बच्चा बोल के गया कि वॉशरूम जा रही हूं पापा, अरे पता करो घर में छह वॉशरूम है, किस वॉशरूम में है, कहीं लॉक ना हो जाए। और यहां पे एक ही रूम में सब है और वॉशरूम को तो लग रहा है जैसे कि रेल का वॉशरूम बना दिया, एक निकला नहीं दूसरा तैयार, और एक तब तक पीट भी रहा है निकल वरना मेरा यही हो जाएगा, इस तरह की तैयारी। अब देखिए क्या है इसका मतलब, जहां पैसा ज्यादा वहां लोग कम, और जहां लोग ज्यादा वहां क्या हो रहे हैं, पैसा कम हो रहा है। कहा कि इस केस में वहां पैसे की ज्यादा जरूरत है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि रामदीन उसका अर्निंग यही 400-500 रुपया, और यहां पे जो है फौज लंबा तैयार है, तो अगर जो है वो दोनों लोग नहीं कमाएंगे तो कैसे घर चलेगा, तो राम दुलारी को भी काम करना पड़ेगा। राम दुलारी काम करने आती है लेकिन फिर वही भेदभाव। तो ये हिस्टोरिकल और सर्कमस्टांसेस, ये हमें जानना है या नहीं, ये जानेंगे तभी तो इंटरप्रेट कर पाएंगे कि क्यों ये चीज बनाया गया। आप एक तरफ कहते हैं कि दोनों जो मेल फीमेल दोनों जो है वो बराबरी का हक है, तो आपने तो खुद डिस्पैरिटी कर दी। अगर आप एक को ज्यादा जैसे ही फैसिलिटी देंगे तो खुद लगेगा कि दोनों में क्या है, अंतर है। आप किसी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ही है वो कमजोर है, तभी क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज रिजर्वेशन जैसे चीज के बारे में कहा जा रहा है, कुछ दिन बाद आप देखेंगे अगर कोई मजबूत सरकार आई, अभी कहते हैं ना हु विल बेल द कैट, कल के डेट में कहीं भी आपको जाति और बाकी के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये किसी भी कंट्री में नहीं है हमारे देश के अलावा। हर जगह अगर रिजर्वेशन भी मिलता है तो उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे मिलता है कि अगर आप मान लीजिए नहीं है कैपेबल तो हम आपको थोड़ी सुविधा दे रहे हैं फाइनेंशियली, लेकिन कास्ट के बेसिस पे। लेकिन पहले जो किया गया था वो गलत नहीं था, क्योंकि उस समय उस कास्ट के लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन बुरा था, इसीलिए रखा गया था उस बेसिस पे। और आने वाले समय में लोगों ने इसको पॉलिटिकल इश्यू बना लिया कि भाई इससे जो है वोट बैंक कटेगा, तो किसी ने इस चीज को उठाया नहीं। लेकिन अब चल रहा है ये चीज कि जिसको भी रिजर्वेशन मिले किस बेसिस पे मिले, फाइनेंस के। अगर मान लीजिए पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको, किताब कॉपी फैसिलिटी, यही तो चाहिए, और वो नहीं है तो इसमें कास्ट क्या करेगा। इसमें तो बस पैसे ही ना है कि पैसे नहीं तो आप क्लास नहीं ले पा रहे, या आपसे मैंने आने से पहले पूछा आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है बताइए तब क्लास शुरू होगी, ऐसा कोई पूछा था, किसी जगह पूछा जाता है? अगर पूछा जाएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये जमानत भी नहीं होगी बंदे की, ये सब पूछा जाना अगर साबित हो जाए तो। किसी को कास्ट से रिलेटेड जो है वो कोई अब्यूज बोल दिया जाए तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसके लिए अलग अलग चीज बने हुए। कहा गया ठीक ऐसे यहां पे, क्या हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस जानना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या उस एक्ट के भीतर ये लिखा होगा, नहीं, ये हमें एक्ट के बाहर से ही पता चलेगा कि उस समय क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या सिचुएशन थे। रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ कमिटी, एन नंबर ऑफ कमिटी, आपको मैम ने जे ईरानी कमिटी वगैरह बताया होगा, और भी कमिटी बताया जाएगा आपको। ये बेसिकली बना था कि कंपनी लॉ को और कैसे जो है मजबूत बनाया जाए, तभी जाकर के जो है वो आपका जो है वो इसमें जो है आदित्य बिड़ला जो है वो कमिटी बनी थी, बहुत सारी कमिटी बनी थी, तब जाकर के आपका जो है ये 2013 जो है वो कंपनीज एक्ट जो आया था, जो हटाया गया कंपनीज एक्ट 1956 को। तो कमिटी बनती है और वो सुझाव देती है कि हमारे सर्कमस्टांसेस हमारे सिचुएशन हमारे हालात इस तरह के हैं कि हमें इस तरह का क्या बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। तो देखिए उस कमिटी ने जो बताया, क्या वो रिपोर्ट आपको इंटरप्रेट करने में मदद नहीं करेगा?
उसी रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि जो है हमारे विमेन की स्थिति इस समय बहुत खराब है, हमें इनके लिए स्ट्रांग कानून बनाना पड़ेगा ताकि वर्क प्लेस पे, अच्छा आप देखिएगा नया भी सेक्सुअल हरासमेंट करके भी एक्ट है जो आपको पढ़ाऊंगा लेबर लॉ में, क्यों वो बनाना पड़ा? इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कोई रिपोर्ट बनी, कोई कमिटी बनी, उन्होंने कहा कि नहीं वर्क प्लेस पे इस तरह से होता है तो क्या बनाओ, कानून बनाओ। तो क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट आपको उसको इंटरप्रेट करने में मदद नहीं करता? लेकिन क्या आपको ये कहीं दिखा? अभी जो मैंने बेयर एक्ट दिखाया था उस पे था हिस्टोरिकल, तो इसीलिए ये क्या कहलाया, इंटरनल या एक्सटर्नल? इसीलिए ये कहलाया एक्सटर्नल। सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक इन्वेंशन, बदलते समय के साथ कैसा जो है वो स्थिति, वह सोशल स्थिति कैसा हो रहा है, कैसा पॉलिटिकल हो रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप कर रहा है, इसका अंतर मतलब क्या हुआ? जैसे आईटी एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो बना इसके पीछे यही आया कि हमारे सोशल रहन सहन के तरीके में बदलाव आया। आज के डेट में सारी दुनिया आपके पॉकेट में, पॉकेट का मतलब मैं फोन से कह रहा हूं, आप जो है वो कुछ लेकर के नहीं निकले, फोन लेकर के अगर निकले हुए हैं तो टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग है कि आप घर से लेकर के कहीं तक इन कर सकते हैं। अगर मैं घर से बाहर हूं, चाबी भूल गया हूं, मेरा ऐप उसमें लगा हुआ है, मैंने जो है वो प्रेस किया, खुद ब खुद जो है डोर क्या हो जाएगा, एक दो लॉक लोग बना करके रखते हैं जो मोबाइल से ऑपरेट हो जाएगा, वाईफाई इनेबल्ड है, वो आपको पता चल गया। घर में इस समय आपके क्या हो रहा है, कुछ ना कीजिए, अपना मोबाइल निकालिए और देख लीजिए, जो कैमरे लगे वो आपको पोजिशन बता देंगे क्या हो रहे हैं। आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, करने होंगे तो मुझे ही कीजिएगा, अगर ट्राई में कुछ करना रहा तो मैं अपना डिटेल दे दूंगा, गरीब आदमी का भला हो जाएगा। अगर चेक करना रहा उसके लिए पैसे होने चाहिए ना, वो तो नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, आप जो करेंगे उसका आधा मैं आपको वापस कर दूंगा। तो अब जो है अगर मान लीजिए कि आप किसी को पैसे क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो देखते हैं आप मोबाइल के जरिए करते हैं। क्यों बनाना पड़ा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही मैं बता रहा हूं, सोशल सिचुएशन सर्कमस्टांसेस। पहले इस तरह का ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता था और ना हमारे ऊपर खतरा था। एक कौन सा वेब सीरीज बहुत हल्ला में था जिसने सिर्फ यही दिखाया था जो फ्रॉड हो रहा है? हाँ होगा, मुझे जो पता है वो अभी नहीं आया है इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कोई और नाम बोलिए, हिंदी में ही था कुछ, किसी जगह का नाम था वो, और एमपी में वो सही में वो जगह है, वो तो बदमाशों के लिए था, वहां पे फ्रॉड हुआ था। हाँ कुछ ऐसा ही है, हाँ कुछ वहां पे जो है वो एमपी का कोई जगह है जहां से सबसे ज्यादा जो है वो ये रिकॉर्ड दर्ज हुई किसी को ये फ्रॉड करने की, जो आपको कॉल करेंगे आपको बोलेंगे कि आपके अकाउंट में ये हुआ है, उस चीज में आपको ये हुआ है और आपसे पैसा लेते। और कमाल की बात, जामनगर कुछ जामतरा जमात ऐसा ही कुछ है, मतलब जो भी हो, मतलब उस नाम को बस करेक्ट करिएगा, लेकिन ऐसे वेबसाइट और बिल्कुल वो सच पे है कि वहां पे इतने सारे इंसिडेंट हुए। और एक कमाल की बात आपको पता है, मैं रास्ते में था तो मैंने जो है वो बिटिया को कॉल किया था, आज उसका ऑफ था क्योंकि कल उसका कोई प्रोजेक्ट वगैरह है, और बड़े दीदी लोगों का, वो लोग बड़ी दीदी बोलती है, ये लोग प्राइमरी सेक्शन हो गए ना तो वो बड़ी दीदी हो गई, बहुत जुर्म करती है लोग पे, बताती है, लेकिन अब इनकी दुष्टता देखिए, ये भी अपने से छोटे पे वही बोलते, जो बच्चा देखता है वही सीखता है। बस में बैठती थी तो लगाकर बोलती थी, वही छुटकन उठ उधर जा, आती थी रोते हुए ही, पापा उठा दिया ये, तो मैं भी थोड़ा ज्यादा सेंटी था, मैं भी बोल देता था, और उनको मतलब जो ड्राइवर है और उनको कुछ ना कुछ काम रहता है, और स्कूल आपको पता है जो थोड़े वेल ब्लेस्ड रहते हैं तो उनके तरफ झुके रहते हैं क्योंकि दुनिया भर का ऑडिट है, बहुत सारा चीज रहता है। तो फिर उन्होंने इसको बोला कि नहीं इसको कोई नहीं उठाएगा, तो अब देखिए यही बोलते, ज्यादा प्रिविलेज भी नहीं करना चाहिए, पहले रोती थी उसके बाद अगर किसी ने इसके जगह पे बैठा, उठ उठ मेरे जगह से उठ, और ये जो है वो क्लास 1-2 का बच्चा बोले उठ, और जो है उठा देती। अब क्या करती है, अब इससे जो छोटे फिफ्थ में पहुंच गई है, ये जुल्म करती है सेकेंड थर्ड पे। मैं एक दिन ऐसे ही लेने गया हुआ था तो मैंने बोला बेटा अरे कुछ आप बोल रहे थे उसको, और ये जूनियर कैप्टन है, पता नहीं स्कूल में क्या जूनियर और सीनियर कैप्टन होते हैं, तो 1 से 5 क्लास तक के लोगों का नाम लिखना देता है। तो बोले बेटा बस में क्यों उसको ऐसे बोल रही थी, पापा वो जगह पे नहीं बैठी थी, उसको ये नहीं बैठना था, उसका जगह फिक्स हो गया, वहां बैठी। तो तुम क्यों पंचायत कर रही थी, जूनियर कैप्टन हूं मैं, मतलब ये उसका क्या है अधिकार क्षेत्र, ये उसकी क्या हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो मैं जब बिटिया से कुछ बात कर रहा था क्योंकि उसको एक सिक्किम पे प्रोजेक्ट भेजना था, छोटे बच्चे को सिक्किम स्टेट पे
पीपीटी में प्रोजेक्ट बना करके भेजना है और वो आज के आज भेजना है और उसमें इतना जो है वो पिक्चर होना चाहिए, इस तरह का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो रास्ते से बताते हुए आ रहा था क्योंकि मैं तो सुबह तक काम कर रहा था, वो सो गई थी जब तक पहुंचा। तब मुझे मैसेज बता रही कि उनको कॉल आया था और पूछा जा रहा था कि आपके हस्बैंड का सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, डिटेल बताइए। और चूंकि ये तो दिन भर हम लोग बात करते ही रहते, तो उन्होंने बोला कि भाई उनका सैलरी मेरे अकाउंट में क्यों आएगा, उनके अकाउंट में आप जमा कर दीजिए और उनको सैलरी कहां से मिलेगी। मैंने बोला ऐसा कुछ है तो ऐसे ही बोलना कि वो तो बेरोजगार है तो उनको सैलरी कहां से आएगी। तो फिर उसके बाद सुनिए उधर से क्या जवाब था, उधर से जवाब था कि मैम आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, आप रख लीजिए ना। अब सोचिए इसका मतलब, जैसे ये चीज बोला जाता तो उसके बाद वो क्या करते, इंफॉर्मेशन मिलता और बोलते पैसे तभी जमा होंगे जब आपको एक ओटीपी गया, वो ओटीपी आप क्या करेंगे, बस हो गया एक ओटीपी, उसके बाद तो सारा दुनिया उनके पास। तो यहां पे कह रहे हैं कि ये आईटी एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय का सोशल सर्कमस्टांसेस सब देखा गया। आज के डेट में ये चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रीच है। आपने सुना होगा एम्स का सर्वर हायर कर लिया गया था, एम्स सुना है आप लोगों ने, और आज ही खबर आई है कि ये चाइना से हुआ था। फाइनली ये क्लियर हुआ, अभी तक यस नो चल रहा था। अब इसका मतलब देखिए, यहां के लोग भी करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, दुनिया भर के लोगों के अकाउंट को सीज किया, हैक किया जाता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा अगर आप किस चीज को देखते हैं, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट हुआ है उसके बेसिस पे वो क्या किया गया है, एक्ट बनाया गया है। ये इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। रेफरेंसेस टू अदर स्टैट्यूट, रेफरेंसेस टू अदर स्टैट्यूट का मतलब, हाँ जी, जो उस एक्ट में नहीं है बाहर है। जैसे अगर कहीं पे वर्ड लिख दिया गया है फैक्ट्री और वहां लिख दिया गया एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, तो अब वो समझने के लिए एक डेफिनेशन कहां देखना पड़ेगा आपको। अगर कहीं पे गुड्स लिखा हुआ है, जैसे देखिएगा जब मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाऊंगा, तो वहां पे गुड्स लिखा है लेकिन लिखा हुआ है गुड्स का डेफिनेशन टेक इट फ्रॉम सेल्स फ्रॉम गुड्स एक्ट, वहां से आपको लेना रहेगा। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो दूसरा एक्ट आपकी मदद करेगा या नहीं उस चीज को समझने में। डिक्शनरी, डिक्शनरी तो इसीलिए क्योंकि हर कदम पे मीनिंग अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो डिक्शनरी की क्या लेंगे, क्योंकि प्लेन मीनिंग कहां से मिलेगा, डिक्शनरी से ही मिलेगा। यूज ऑफ व्हाट कहा गया, ये सिर्फ तब जब आपको अपने यहां के केसेस या आपको यहां के जजमेंट सफिशियंट ना हो तो आप मदद क्या ले सकते हैं, इंटरप्रिटेशन करने के लिए। तो ये है आपका जो है इंटरनल। और अब देखिए हमने जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के सारे एस्पेक्ट को कर लिया है। अब हमें जो है वो इसमें जो है वो हमारा शुरू होगा केबीसी राउंड, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति कंपनी सेक्रेटरी, और उसमें देखते हैं कि आपका किस तरीके से चीजों को आपने क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। और इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे बहुत यूनिक तरीके से। यूनिक तरीके का मतलब है कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप जो है किस पे गुस्सा आ रहा है, कोई फायदा नहीं है मेरे पे गुस्सा करने का। अच्छा अब जो तो मुझे मक्खी मच्छर की तरह मत हटा दीजिए। अब आपको जो वो दिया जाएगा नोट्स, वो अभी मैं मना कर दूंगा तो नहीं तो फिर आप उसको तैयार कर लेंगे, दिक्कत ये भी है। तो पहले जो है वो आपको जो पढ़ाया है वो रिवाइज कर लीजिए, और नहीं तो मैं दिलवा भी देता हूं आप कर लीजिए, लेकिन घर से बना करके कुछ नहीं लाना है, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको पढ़ाया है वो और जो नोट्स में रहेंगे उसको पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप पेंसिल से ही बस टिक लगाइए, मार्किंग नहीं करूंगा, लेकिन पहले आप जो है उसको टिक लगाएंगे, फिर एक एक क्वेश्चन मैं किसी का चेक नहीं करूंगा ताकि आपकी शुरू शुरू में इतनी जल्दी बेइज्जती खराब ना हो, अभी थोड़ा दिन चलने देते हैं। तो पहले जो है आप पेंसिल से, इसलिए बोल रहा हूं पेन से नहीं क्योंकि उसका आंसर नहीं दे रहा हूं मैं, किसी भी नोट्स या बुक में एमसीक्यू का आंसर नहीं देगा, आंसर कहां मिलेगा, यहां पे, ताकि अगर किसी बच्चे या किसी और को भी हाथ लगे तो उसका बेनिफिट ना हो। तो आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से और तब एक एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग चलेंगे, और वहां भी हम लोग जो है वो राउंड खेलेंगे कि देखते हैं कौन आंसर देता। पहले आप तैयार कर लीजिए और फिर क्या कीजिए, आंसर। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।